मैच मेकिंग में और क्या था? मैच मेकिंग में मैच मेकिंग ही जाना यार क्या ये सर मैं बता दूंगा आपको आप रख लो मैं बताया आप पढ़ लो उसको छोड़ दो पढ़ लो मैं अनुराधा जी आवाज आ रही है आपको अनुराधा जी उनको आ रही है अनुराधा जी को आ रही है सर आपके मशीन में देखो सर एक बार बंद करके ऑन कर लो सर एक बार ना रीस्टार्ट कर ये जब तक रीस्टार्ट करते हैं बता दो सिंपल सा है उसमें उतार देना बाकी सिंपल सा है सर एक मिनट लड़का है ना जिसकी शादी करनी है तो पहले तेरे समझ लेते हैं शादी करनी है तेरे को तो एक कैसा हस्बैंड होना चाहिए इसको जैसा हस्बैंड बताना कैसा हस्बैंड लविंग हो केयरिंग हो और ऐसा हाँ दो पेट्रोल पंप हो चार होटल हो गया ना हो गया उसके ना उसके बाप के हो अभिनेता हो लड़का हो और इंटेलिजेंट हो राहुल गांधी जैसा ना हो और बता बस इतना काफी है ठीक है तो हमें लड़के की पत्री में ये चीजें पता चल जाएंगी whether he'll earn of his own or not so we want he should earn क्योंकि उसमें जो कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे भी पैदा कर सके दूसरा चाइल्ड बर्थ के लिए भी रखते हैं वो भी चीज होगी दूसरा कमा सके ऑफिस ओन पिताजी के पैसे से कोई मतलब नहीं बनता ठीक है ना वो कॉन्फिडेंस भी आता दूसरा और चीज होगी उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए जो आपने मिस कर दी एक हैंडसम होने मुझे बताया तुमने कमाल कर रही है ना हाई कुत्ता ना तो हैंडसम उनसम कुछ नहीं होता अगर उसका नेचर अच्छा होगा तो हैंडसम लगने लग जाएगा और नेचर अच्छा नहीं होगा तो वो जितना मर्जी हैंडसम हो चाहे वो आजकल नाम दे सलमान खान जो है जो भी हैंडसम से हैंडसम हो बुरा लगने लग जाएगा ठीक है हैंडसम नाम की कोई चीज नहीं इट इज ब्यूटी लाइज इन दी वो कहते हैं अंग्रेजी में आईज ऑफ बिहोल्डर है ना करके तो वो आईज में तभी आती है वो अगर खूबसूरती से होना था रेखा के जितने हस्बैंड है सब सुसाइड ना कर जाते ठीक है ना और उम्र लंबी होनी चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है और उससे ऊपर है कि जनानी का ख्याल रखे और जनानी अपनी ये भी इम्पोर्टेंट है वाइफ भी अपनी हो उसी का ख्याल रखे ठीक है ना तो बस यही हमें देखना तो वी हैव टू सी इन हिज हॉरोस्कोप सो हमें और किसी की हॉरोस्कोप देखने की कोई आवश्यकता नहीं उसकी ना सर जी हो गया अब सुनाई दे रहा है शर्मा ये सर थैंक यू सर ठीक है सर तो वो हमने कॉम्बिनेशन लिखे अभी एक एक करके वो जो है जैसे लॉन्गेविटी है हेल्थ है प्रोफेशन है और चाइल्ड बर्थ है वो कैसे देखना है वो मैं एक करके बताता जाऊंगा क्योंकि वो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं तो हमें कुंडली मिलान होगी हमारी बस अब ऐसा लड़का हर लड़की के लिए ठीक है तेरे लिए क्या ठीक है सभी के लिए ठीक है अब हमारी लड़की जैसी मर्जी हो हमारी लड़की चुड़ैल हो रोज पीटती हो ठीक है नखरे करती हो वो लविंग करेगी बस हमारे सिंपल है सेम इज विद का सेम इज विद का ना हमने अपना बेटा ब्याह ना वही सुंदर सुशील हो वही कमा के लाए हमारा बेटा तो राजा है ठीक है उसको तो वो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग है शोले का हमारा लड़का जैसा मर्जी हो हमें तो लड़की अच्छी थी तो हमें लड़की बहनी है तो लड़के का उसको अच्छा चाहिए लड़का बहना है तो लड़की का उसको अनादि तेरा काम कर दूंगा भाई एक दो दिन में तेरा काम एक दो दिन में बाहर था मैं कर नहीं पाया भाई नहीं फिर मेरे को ईमेल आईडी चाहिए उनकी अगर उनका मैसेज आया है तो वो आप उनको कह दो कि अगर मेरे को यही देते हैं ईमेल आईडी तो मैं अब मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ है तो चाइल्ड बर्थ में खास पहला तो ध्यान रखना है कि
वाइफ इज ए फीमेल. हस्बैंड इज अ मेल. ये पहली चीज है जो ध्यान रखनी. तो 80-90% काम फीमेल का ही है चाइल्ड बर्थ में. मेल वर्क इज, मेल्स वर्क इज जस्ट टू डिपॉजिट स्पर्म इन द वूम, दैट इज ऑल. रेस्ट, कंसीविंग एंड प्रेगनेंसी ऑल विल टेक प्लेस इन द वूम ऑफ द लेडी, राइट. तो इसीलिए उसका हॉरोस्कोप इज मोर इम्पोर्टेंट देन द हस्बैंड्स हॉरोस्कोप. ठीक है, अगर किसी भी तरीके से स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है तो बस, और तो बाकी सब चीजें मेल का तो काम वहां पर खत्म हो जाता है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस है 80-90%. अब कॉम्बिनेशन क्या है, वो जो हर चैप्टर में ही रहेंगे. जैसे मैरिज है, हमने कर लिया, डिवोर्स है, लव अफेयर एक्सेट्रा. तो इसमें भी यही है कि कौन कौन से हाउसेज पॉजिटिव है, 2, 5 और 11, ये पॉजिटिव है. 2 है फैमिली, 5 चाइल्ड, 11 इज गेट या एडिशन इन दी फैमिली कह सकते हैं. 9 जो है ये फ्रेंड हो गया, 5 का फ्रेंड है. तो 2, 5, 11, 9 ऑल्सो इज सपोर्टिंग हाउस टू दी चाइल्ड बर्थ. तो ये जो हो गया, ये चाइल्ड बर्थ का हो गया. अब इसके जो ऑपोजिट जो हो गए, जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे चाइल्ड बर्थ को, वो हो गए इसके 12, 1, 4. So when ये दूसरी चीज ध्यान रखिए, when 2, 5, 11 is signified, when both husband and wife, then wife will conceive. ये ध्यान रखना है, बिल्ली के अंदर only wife which conceives, husband नहीं conceive करेगा. ठीक है, तो husband में भी 2, 5, 11 चाहिए और इसमें भी चाहिए. अगर 1, 4, 10 आएगा तो क्या होगा, negative. In case of male, no sperms or low quality. ठीक है, फीमेल में क्या होगा, नो एग. ठीक है, प्रॉपर मेंसेस नहीं होंगे, प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो 2, 5, 11 1, 4, 10, 5 का 12, 4, 11 का 12, 10. फोर ऐसा कि मतलब इसमें फोर के जो जितने भी मतलब हैं वो ये हैं, मदर, उससे तो कोई मतलब नहीं. एजुकेशन, एजुकेशन खराब ही करती. जो बताया जाता है कि भाई कैसे हम चाइल्ड बर्थ रोक सकते हैं, एजुकेशन यही बताती है. चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, बिल्ली कुत्ते सबको पता है, फूल को भी पता है, तो खराब ही करती है. ठीक है, पोथी पर पड़ जगूंगा पंडित भयो न कोई, ढाई आकर प्रेम को पड़ो से पंडित भयो. प्रॉपर्टी और भाई का ये फोर्थ हाउस का, ये रिलेशंस में दरार ही डालती है. फोर इसके एडिशनल जो इससे रेलिवेंट है, दैट इज एंड ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग लॉस हर चीज का हेल्थ भी खराब करती है. ठीक है ना, ये हेल्थ में ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देन है नेम फेम पोजीशन. नेम फेम पोजीशन जब भी होती है तो मैरिज के लिए सत्यानाश ही होता है. ये सब वकील हैं सर, जजेस जो लेडीज हैं, कितनों की शादी सक्सेसफुल है, कितनी की सक्सेसफुल है, 20% टू 30% लेडी लॉयर्स के लिए. ठीक है, नेम फेम पोजीशन जैसे ही मिल गया, ईगो आ गई, ये 10 भी ईगो देता है, 110 भी ईगो देता है. ईगो कम है, ये सेल्फ सेंटर्ड करता है, मैं ही हूँ बस.
मैं मुझे मुझे क्या मिल रहा है ये बताओ। वो बड़ा घर का वही है, वही सेम आई एस सेम व्हाट यू आर सेइंग इज आई एस आई पी एस पॉलिटिशियन हो जैसे बीएमडब्ल्यू दीदी पेंजी मोटी सोनिया माता उमा भारती सबका जो है मैरिज लाइफ या है नहीं है तो खराब हो गई और ज्यादातर की तो शादी नहीं हुई। किरण बेदी ठीक है ना, अभी अभी हस्बैंड की डेथ हुई 2 साल डेढ़ हुआ। अच्छा हस्बैंड का रही नहीं, जब रिटायर भी हो गई अब तो हस्बैंड के बाद चले जा फिर अन्ना के बाद चले गई, दूसरे रोटी खाई नहीं खाई बेचारे तो हस्बैंड ने खाई नहीं खाई कोई बात नहीं। खुशी खुशी होते हैं काम ये सारे एजुकेशन में डालेंगे। अब उसके साथ आपके डिप्रेशन के भी कॉम्बिनेशन है उसके, तो आप यू आर फाइटिंग इनसाइड। मेरा डिप्रेशन नहीं है तो मेरा 2511 जो खुल के आ रहा है तो वो हो सकता है साथ, ठीक है ना, ये हो सकता। अब ये हो गया पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, अब तो कॉम्बिनेशन क्या है 2511 इज पॉजिटिव 1410 इज नेगेटिव, ठीक है ना। अब बाकी जो हाउसेज है उनका क्या लेना देना, बाकी हाउसेज का भी तो लेना देना होगा। तो इसमें जो 6812 है ये भी नेगेटिव है, 6812 will promote miscarriage abortion. ये हमेशा खराब होते हैं, ये तो litigation, झगड़े, accidents, जैसे 8 accident है, chronic illness है, ये conceiving में तो तंग नहीं करते लेकिन conceiving के बाद वो तंग करते। बाकी तो उस हो गए 3-7 बाकी दो बचे वो न्यूट्रल है, उनका कोई लेना देना नहीं है खास। अब इसमें खास बात है 2511 जो है ये चाइल्ड बर्थ का है और मैरिज का क्या है, ठीक है। अब आपकी मम्मी की शादी कब हुई थी, 1977 में हुई और ये जो है पैदा 1980 में, 1977। तो आप लोग बड़ा भाई बहन है ना, तो she is born in 1980, तो बड़ा भाई बहन born in 78, ठीक है ना। तो पहले आज से पहले 99% जितने भी पेरेंट्स के आज का मतलब आज से 10-12-15 साल जितने भी लोगों की शादी हुई है 99% बच्चे जो है वो विद इन अ ईयर 1.5 ईयर में हो जाते। रीजन क्या है, जो मैरिज का कॉम्बिनेशन है वो मोर और लेस चाइल्ड बर्थ का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब क्या हो गया, आजकल क्या हो गया कि बच्चा होना मुश्किल हो गया। आपने देखा होगा कि अब बच्चे होने में बड़ी मुश्किल होती है आजकल, अभी आर ट्राइंग बट वो बिलिंग वही लोग नहीं है जो कॉर्पोरेट कल्चर में, ठीक है ना, उनका 1410 ऑलरेडी है तो वो बिलिंग नहीं। अब जो बिलिंग नहीं है उस समय पे डिले करते हैं, बाद में जब तक 2511 नहीं आता तब तक वो लेते गो ऑन ट्राइंग, फिर वो आईवीएफ पे चले जाएंगे। आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है वो इज लेस देन 10%, तो फिर जब दोबारा 2511 आता है आईवीएफ 2-3 बार कर लेते हैं लेकिन वो अपने आप भी जाता है, ऐसा भी है। तो इसका मतलब हुआ होना 2511 से ही है, लगता यही है। तो जो उन्होंने शादी करनी है वो तभी कर लें कि उनको बच्चा तुरंत होने से घबराए ना, तो फिर वो दिक्कतें नहीं होंगी कि भाई वी आर ट्राइंग बट इट इज नॉट हैपनिंग। प्लान क्या करना, कर तो हो ही जाते, बच्चा हो
सर बच्चा होने में प्लान नहीं करना पड़ता, बच्चा ना होने में प्लान करना पड़ता। मैं यही तो बता रहा हूँ कि एजुकेशन क्या बताती है कि कैसे बच्चा ना हो, वो तो जाना ही है। कोई बिल्ली कुत्ते के हो रहा, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा भाई, सभी का हो रहा है ना। तो ये जो है जो नेचर कर रही है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती है, वो सबको पता है। छोटे बच्चे को पता होता है, पैदा होते ही पता होता है कि यहाँ से खाना जाएगा। आप उसको उंगली मुंह में डाल दो, वो चूसना शुरू कर दो, गलत क्या ठीक। और जब उसका पेट भरा होगा वो फिर नहीं चूसता, ठीक है ना। तो बेसिक इंस्टिंक्ट है खाना। तो जब बॉडी में जो भी है फिजिकल वो इम्प्रूवमेंट्स आ जाती है तो फिर वो इंस्टिंक्ट भी जाग जाती है, अपने आप ही होता है सब कुछ। उसी का आगे सिखाना थोड़ा ना पड़ता है। शेर का बच्चा अपने आप ही वो खेलते 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 वो सीख जाते हैं कैसे शिकार करना है ना। नहीं नहीं कुछ नेगेटिव ना हो भाई, वही तो बता रहा हूँ, नेगेटिव नहीं होना, अपने आप ही हो जाए, यही समझा नहीं कुछ। अब जुपिटर जो है इट इज नेचुरल सिग्निफिकेटर, चाइल्ड बर्थ एंड हेल्थ ऑल्सो। राकेश फॉर अबॉर्शन, मार्स के तो ये हो गया हमारा नॉर्मल क्लचर तैयार चाइल्ड। They will promote abortion if they come in India. Always. When a planet is in DB, only then it works. Otherwise, it doesn't work. And it is sitting idle. Active नहीं है तो शांत बैठा है। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? क्योंकि जन्म पत्री में क्या है कि कभी वो वन फुट एन ऊपर आएगा, कभी टू फाइव नीचे आएगा, कभी कुछ ऐसे होगा, ठीक है। उसको कैसे मैनेज करेंगे ये मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से आपको दिक्कत नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इधर इधर लगा लूंगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट आज के लिए माफ़ी। कौन सा कंप्यूटर आपके पास? सॉरी विंडोज कौन सा? हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। 32 bit चल जाए। इधर जो पढ़ा रहा हूँ ना उधर देख लो, वो बाद में कर लेना, वो तो टाइम पड़ा ही है करने को। हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम है क्यों नहीं तरक्की करते कि जब पिक्चर देख रहे थे वो हो यार सब्जी तो रहेगी सी, काम कर रहे थे यार जाना था वो ये वो है थोड़ा पास है। नहीं नहीं वो बीच में देख लो तो आप
और जब वो कर रहे होते हैं क्या नाम है एंजॉय, तो जब काम कर रहे होते हैं तो काम में जी नहीं लगता, जब मजे कर रहे हो जब काम का ध्यान होता सब दिखा। तो ये जन्म पत्नी है जैसे अगर आप है, तो ये 14th May 71 का बर्थ है। तो अब कंसीविंग जो देखते हैं वो शादी के बाद ही है, ये फीमेल है और दिल्ली गया तो फिर यही करेगी क्या नाम है कंसीविंग, ठीक है। यार अब उसमें क्या भूमिका तो मानी ना, बोला मैंने तो बताया यही बता रहे हैं मैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मार्स कैसा है, राहु कैसा है, सारे ब्रांड कैसे हैं, क्योंकि तो जब कंसीविंग होगी तो फिर 9 महीने के अंदर अगर बड़े पीरियड्स हैं तो 2 या 3 पीरियड्स की अंतराय आएंगे, अगर छोटे हैं तो फिर बड़े सारे आ सकते हैं। अब पहले मैं आपको अच्छे अच्छे प्लांट दिखाता हूँ, जैसे ये सन कैसा है, हाउ इज फॉर चाइल्ड बर्थ, इट इज गुड 5-9, 5-9, 2-5, सिर्फ 1 ही है जो नेगेटिव है, तो ये ज्यादा समस्या नहीं करेगा। हाउ अबाउट जुपिटर, जुपिटर भी अच्छा ही, अब देख लेते हैं, जैसे ऊपर है 11-14, 2 negative, 1 positive, नक्षत्र में 2 positive, अब ये 1-4 डिफीट हो गए, और सब लॉर्ड में 11-4, 1 negative, 1 positive, ठीक है ना। अब 2-5-11 ये मिल गया, 1-4-4 सेपरेट आउट हो गए, फिर पूरा ग्रुप है 2-5-11, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग है, और फिर ये जुपिटर इन द एंड, तो 1-2-5-11 जुपिटर के पेट में ही होगा। नेचुरल सिग्निफिकेटर का मतलब होता है कि उसके अंदर वो इंस्टेंट होती होती है। वो आते शनि पे, ऊपर पॉजिटिव है, नक्षत्र में पॉजिटिव है, सब लॉर्ड में 2 negative, 1 positive, तो ऊपर से पॉजिटिविटी आती जा रही है, तो 1-4 ज्यादा असर नहीं करता है। अब नेगेटिव प्लैनेट देखते हैं, नेगेटिव मून 1-8, 4-6, 1-4 विथ कंपेरिजन टू 11-11, तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब कंसीविंग में भी प्रॉब्लम करेगा और प्रेगनेंसी पीरियड में भी प्रॉब्लम करेगा और जबरदस्त प्रॉब्लम करेगा। जुपिटर सैटर्न और सन जो है कंसीविंग में भी प्रॉब्लम भी नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी पीरियड भी अच्छा नहीं। पहले तो प्रेगनेंसी होने मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है, वो तो ट्विंस बता रहा है, मैरिज पढ़ाते हो तो डिवोर्स पूछते हैं, एक बच्चा हो जाए 2 पूछते हैं, अभी एक तो पढ़ ले तो कंसीविंग तो कर लेना, कोई तो पढ़ा रहा है ना, गर्ल्स आर हॉट। अब आ जाते हैं मरकरी, मरकरी ऊपर 4-10 है, नक्षत्र में 2 negative, 3 positive, लेकिन अभी टोटल 4 negative हो गए, 1 negative सब लॉर्ड में, तो ये भी डेंजरस है, तो प्रेगनेंसी पीरियड में दिक्कत करेगा। और जहां जहां 8-12 या 6-8 आ जाते हैं, जैसे मून में 6-8 है, मरकरी में 8-12 है, 8-12 है, तो ये अबॉर्ट भी कर सकते हैं, और अगर दिन पूरे हो गए हैं तो फिर ये सिजेरियन से बच्चा पैदा होगा। हमने देखना है कि नेगेटिव कॉम्बिनेशन के भी कॉम्बिनेशन कितने हैं, वो भी पूरे हैं और वो ज्यादा है, वो ऊपर से नीचे तक है, तो वो ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और साथ में 8-12 भी है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ना। सेम केतु का है, जैसे 3 positive, 2 negative, साथ में 8-12 भी है, नक्षत्र नेगेटिव है, सब लॉर्ड पॉजिटिव है, लेकिन सब लॉर्ड को ऊपर से स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, और 1-4, 4-10, 1 ये भी लगातार बहुत ही वीक, मतलब ये प्रेगनेंसी कराना बड़ा मुश्किल है, तो प्रेगनेंट हो गई तो प्रेगनेंसी पीरियड में दिक्कत आएगी। बट सर ये 2-5-11 का भी तो स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है, वो ऊपर है 1-4-10 नीचे, देखते रहो ना रूल, देखते रहो कि ऊपर से नीचे तक हमें आता चले जाना है, ऊपर से नीचे तक नेगेटिविटी बढ़ रही है या पॉजिटिविटी बढ़ रही है, देखते चले जाओ। जैसे यहाँ पे हमारा उल्टा था, यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही थी, जुपिटर में केतु में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, मरकरी में भी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है नीचे तक, अब वीनस में ये 1 positive 1 negative,
नक्षत्र में तीन पॉजिटिव दो नेगेटिव, सब लॉर्ड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तकरीबन 50-50 हो गया, ठीक है ना। साथ में 8-12 भी है, 6-8-12 ये 50-50 हो गया। मार्स में देखो 5-5, 1-1-1, ये दिक्कत वाला है, बट इट इज बेटर देन मर्करी, बेटर देन केतु, सिर्फ वन ही है। अगर 1-4-10 पूरा हो जाता तो फिर ये गड़बड़ हो जाता, सिर्फ एक ही हाउस है, इतना पंगा नहीं करेगा। राहु इज बेटर, मोर ग्रीन, ठीक है। अब ये सारे प्लैनेट हो गए, इसमें हमने कहा कि जो नेगेटिव है वो है केतु, मून और मर्करी, ये तो बिल्कुल बेटर है। जो मिक्स हो गए वो हो गए वीनस मार्स, और जो पॉजिटिव हो गए वो है सन जुपिटर सैटर्न, राहु भी पॉजिटिव है। अब एक ऐसा ही देखें तो बच्चा तो होगा, ठीक है। अब है कि मार्स राहु में वीनस में शिप कंसीव, तो राहु वीनस, अब मार्स राहु वीनस हो गया, ये हो गया मार्च। अब इंडिया में 8 महीने के बाद बच्चा पैदा करते हैं, एक चार लेडीज भी होंगी तो भी एक ही टाइम लगेगा, उसमें ये नहीं है कि 2-2 महीने बांट ले सकते, ठीक है। अब वीनस, उसके बाद सन आ जाएगा, अब मून आएगा जून में। अब जून में जैसे मून आएगा तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, मार्स राहु जो है पॉजिटिव है, मून काफी खराब है। अब क्योंकि राहु काफी पॉजिटिव है तो होप है, अभी आपको नहीं पता कि क्या आगे होना है, मेरे को पता है। जब मेरे पास ये सिचुएशन आई थी तो मेरी भी वही हालत थी जो आपकी है, क्योंकि मुझे भी आगे नहीं पता था, ठीक है ना। तो हम ऐसे केस में जहां पर मार्स 50-50 है, राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और मून काफी ज्यादा नेगेटिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी स्टेइंग इज मोर। अब प्रोबेबिलिटी मैंने शब्द क्यों किया है, बिल्कुल पक्का क्यों नहीं कहा, क्योंकि अभी ये डिपेंड करेगा आप डॉक्टर की कितनी हेल्प लेते हैं, मतलब उसकी बात कितना मानते हैं, उसने बेड रेस्ट किया है तो आप बेड रेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे, आपको जैसे डॉक्टर कहा वैसे अगर आप फॉलो करते हो तो सब ठीक हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर जाने का प्रॉब्लम, इसलिए प्रोबेबिलिटी शब्द यूज किया। मार्स इज ऑलमोस्ट 50-50 टाइप, राहु इज पॉजिटिव, मून इज टोटल नेगेटिव। सो दशा अंतर दशा, एक मिनट, दशा इज मार्स, दशा भुक्ति अंतर, मैं अगर राकेश आए तो नेगेटिव अगर होगा तभी दिक्कत करेगा ना, ये नेगेटिव नेगेटिव है नहीं ना, दशा इज सपोर्टिंग, मार्स इज लिटिल मोर पॉजिटिव, राहु तो पॉजिटिव है ही है, वीनस 50-50 है तो कंसीव तो कर ही जाएगी। अच्छा कंसीव तो अपने आप ही हो जाएगी, तो भगवान की देन है, किसी को नहीं पता तक कब कंसीव हो जाएगी, क्या तो हो गया कंसीव हो गया, वही तो मार्स राहु वीनस में कंसीव हुआ मार्च में, और फिर उसके बाद तो 8 महीने आगे देखने हैं हमको, तो अगर मार्च में कंसीव किया है तो हमको नवंबर एंड तक जाना पड़ेगा, बच्चा होगा नहीं होगा, कंसीव होने के बाद बच्चा होगा ये तो करीब ही ना। तो अब देखना है मार्स राहु वीनस इज गुड, मार्स राहु सन इज वेरी गुड, मार्स राहु मून इज अ प्रॉब्लम, मार्स राहु मार्स इज बेटर। तो अगर ये 25 जुलाई तक काट जाती है तो मार्स जुपिटर तो पक्का हो गया कि बच्चा हो गया, क्यों, जुपिटर इज इवन मोर पॉजिटिव देन राहु। अब ये सितंबर तक है मार्स जुपिटर, जुपिटर मार्स जुपिटर सैटर्न तक नवंबर तक, तो जब ये जो पीरियड था 1 जून से 3 जुलाई का जो पीरियड है ये अगर निकल जाता है तो फिर चाइल्ड बर्थ होना कोई समस्या नजर नहीं आती, लेकिन एंड में जो है मरकरी आ जाएगा, ठीक है ना। मरकरी में 8-12 है, मार्स में भी 8-12 है, तो बच्चा तो होगा लेकिन फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ, और मैं ये भी पूछती थी कि हमारे पास मार्स और केतु की आपने सर्जरी बोली तो ये ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी
अगर ये मर्करी पहले आ जाता तो फिर तो प्री मेच्योर वाली बात हो जाती है, लेकिन वो आए ही नाइन्थ मंथ में है तो फिर तो सिर्फ चैत्री बच्चा दूसरे तीसरे महीने में आ जाता और भुक्ति भी खराब होती तो अबॉर्ट हो जाता, फिर हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं आना था, बात ही खत्म हो गई। जब प्रॉब्लम है मतलब प्रोबेबिलिटी बचने की है तो हमसे वो पूछने आएंगे, नहीं तो तब तक अगर ऐसे खराब होते ना जैसे मून पहले भुक्ति मून की आ जाती तो वो तो हमारे तक आने की बात ही ना होती, हमारे तक बात कर जाएगी, पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे फिर डॉक्टर कुछ कहेगा फिर आप हमारे पास आए, सीधा आप हमारे पास कोई नहीं आया सर, वो सर पहले आप हमारे पास नहीं आया ना कोई भी, किसी की मदर की तबीयत खराब है ऐसे वो डॉक्टर के पास ले जाएगा, जोशी वाला नहीं जाएगा, सिंपल सी बात। रिपीट होते ही यही पूछते हैं कि लड़की की बात ही कहाँ कर रहे हैं सर, मेरी वो अलग ही था ना, अभी पहले इस पर डिस्कस कर लेना सर, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको देख लेते अभी क्या मुद्दा जो चल रहा है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, लड़के लड़की भी डिस्कस कर लेते। सर एक चीज क्वेश्चन था, एक मिनट यार, एक मिनट। हाँ जी नो ओनली फॉर वीनस इज ओनली फॉर मैरिज, जुपिटर इज ओनली फॉर चाइल्ड, जुपिटर चाइल्ड। हाँ जी बोलो सर। सर जैसे वो उसमें दशा भुक्ति में पहले वो आया हुआ था ना सर, जुपिटर आया हुआ है वीनस से पहले, तो सर ये आपने जो चाइल्ड बर्थ कंसीविंग ली है ये हाइपोथेटिकल ली है या एक्चुअल ली है सर आपने? नहीं सर ये मेरे पास 97 में सवाल आया था तो मैंने वही लिया हुआ। ओके सर ओके। ये पहले इसका लड़की का सवाल आया था, मैं मंगली को नहीं नहीं लड़के ने ये लड़की को हमारे जानकार की है, तो पहले हम गए दवा शादी में गए हुए तो हम पहुंचे हुए रात 12 बजे, तो हमारा पड़ोसी खड़ा था हमारी वेट कर रहा, तो यार बड़ी एक अर्जेंट बात है, मैंने हो गया बोले यार तू जोशी करते हैं तो वो लड़का जो है ना वो लड़की कह रही है मंगली का है, लड़का लड़की ये इसके जो हस्बैंड की पहले इससे बात पक्की होगी शादी से पहले, तो लड़का लड़की घूमने चले गए, लड़के ने लड़की को कह दिया मैं मंगली को, लड़की को डिप्रेशन हो गया है, बोले कि जी तो मंगली का है, तो मैंने कहा करने दो लीक, वो शादी तक सारा लीक हो जाएगा उसके बाद कर लेना, कितने देर बाद शादी है वो तो 2 महीने बाद, मैं तब तक पूरा ही लीक कर जाएगा, करो शादी मैरिज होगी ओके परफेक्ट हैप्पीली मैरिड, जब हैप्पीली मैरिड हो जाता फिर उस आदमी के ऊपर विश्वास हो जाता है जिसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पहले दिन ही पंगा पड़ जाता तो फिर उनको लगता कि मैं, फिर जब इसको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आई सॉरी प्रेगनेंसी पीरियड में प्रॉब्लम आई फिर मेरे पास क्वेश्चन आया, तो इट इज अ लाइव एग्जांपल, इट इज नॉट लाइव एग्जांपल सॉरी इट इज एक्चुअल एग्जांपल। सर सर्जरी वाले पार्ट एक बार समझा दीजिए ना, ये हेल्थ में तो डिटेल में ले लूंगा, लेकिन ये जो है ना जैसे 168 होगा 1812 होगा, ये जो है ये जब भी 8 आएगा या 1612 होगा तो सर्जरी होने की संभावना बनती है, तो अगर बच्चा पेट में है और 8-9 में आप आ गए तो सर्जरी हो जाएगी, और अगर आप दूसरे तीसरे मंथ में है तो अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर मार्स के तू आ जाते हैं तो फिर ये और ज्यादा बढ़ जाती है, मार्स के तू आए तो ये और बड़ी हो जाएगी, लेकिन मार्स के तू में अगर यू आ रहे हैं 5-9 वगैरह आ रहे हैं तो ये मार्स के तो भी सर्जरी नहीं करते, तो जैसे जुपिटर नेचुरल से भी टाइल करता है मार्स तो नेचुरल से भी और सर्जरी नेगेटिव हो गए, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव हाउसेज नहीं है फिर नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, 1-6, 1-6, 8-8, 12 कुछ तो कुछ होना चाहिए, वो साथ में 5-9-11 है सक्सेसफुल है, साथ में 5-9-11 नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं है, जैसे मर्करी में 5-9-11 तो था ही तो सक्सेसफुल हो जाएगी, अच्छा भुक्ति जो जुपिटर की थी वही 5-11 थी, इसका मंत्र ही खराब था
ठीक है, कोई डर वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम भी आ सकती है, प्रॉब्लम आती है सर्जरी में, सिक्स एट ट्वेल्व है ना, तो प्रॉब्लम तभी आएगी जब उसके साथ हील करने के लिए, हील करने के क्या फायदा है ना, जब दोनों होंगे तो ठीक हो जाएगा। दशा और गुप्ते अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही, दोनों से एक नहीं दोबारा बताइए, दशा और गुप्ते अगर दोनों पॉजिटिव है अंतरा न्यूट्रल भी है, फिर समस्या है, यू आर वेरी राइट। अब क्वेश्चन है कि अगर अंतरा खराब है, दशा भुक्ति ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, और दशा भुक्ति अंतर में अंतर खराब हो गए, मतलब मिक्स हो गए तो प्रॉब्लम होगी, और दशा हो गई तीनों ही में गड़बड़ होगी, फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर संभल लेना। अभी कर रहे हैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाने, अभी उसी प्यार तो पहला हो गया, दूसरी चीज होगी कस्टडी और चाहिए बता, कस्टडी और चाहिए। अब आ जाते हैं कस्टडी और चाहिए, अब मियां बीवी में झगड़ा हो गया, मियां बीवी में झगड़ा हो गया तो बात आ जाएगी गूगल गारंटी कस्टडी ऑफ चाइल्ड, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है बच्चे की औरस को देखेंगे, मियां बीवी के औरस को देखने से पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर लेडी आती है तो मेरा हस्बैंड से प्रॉब्लम होगी तो मैं चाहती हूँ बच्चा मेरे पास ही रहे, तो मुझे ये बताओ कि बच्चा मेरे पास रहेगा या कहीं और रहेगा, आप तो सुन लें फिर तेरे सवाल आएंगे, कोई नहीं सुन रही, तुम ये ताश खेल रही है, जब मैं इतने अच्छी जोकर वाले हरकतें करता हूँ तो फिर तू पता तुझे ताश खेल, तो खुद ही कहते हैं मैं बड़ा जोकर वाले, ये और इम्पॉसिबल कि टू लॉन्ग थ्री लॉन्ग मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले ताश ना खेल, ठीक है। अब जो एडॉप्शन वाली सिचुएशन कस्टडी वाली बात है, ये तो माँ आती बच्चे की कस्टडी मुझे मिलेगी या मेरे हस्बैंड को मिलेगी, तो हम बच्चे की हॉरोस्कोप, ठीक है। तो बच्चे के हॉरोस्कोप में अगर आता है फोर एट फोर मदर का नाइन फादर का, तो कस्टडी विल बी इंटरेस्टेड टू मदर, थ्री नाइन कस्टडी विल बी इंटरेस्टेड टू फादर, थ्री एट है कस्टडी विल बी इंटरेस्टेड टू समवन एल्स, वी हैव टू एनालाइज दी और उसको बोली चाहिए। हमें बच्चे की हॉरोस्कोप को देखना है, ठीक है। अब हमें ये देखना है जो आएगा उसकी तरफ चला जाएगा, फोर एट आएगा मदर की तरफ, फोर मदर का एट ट्वेल्थ फ्रॉम पास आउट, बट सर द चाइल्ड इज नॉट बीइंग आस्क्ड व्हाई वेयर आई सेड हियर, नो आई एम सेइंग वी जनरली द जज इज नॉट आस्किंग द चाइल्ड, ही इज जस्ट सीइंग द केस एंड सीइंग हू इज मोर कॉन्फिडेंट, ही इज आस्किंग द चाइल्ड आल्सो, बट व्हाट इफ द चाइल्ड इज नॉट ग्रोन अप इनफ टू बी डिसाइडिंग, whatever it be, we have to see the horoscope where the fate of the child is going to be. That is going to be, if it is 4, it will go to mother, 3, it will, 9, it will go to father. Sir, 4, 1 mother, 8, which is to go? 12 from 9. 12 from 9. ठीक है ना? अब अगर दोनों हो जाएंगे, तो दोनों को मिलेगी। तो उसमें ऐसा हो जाता है। कभी-कभी, 6 months.
थ्री और नाइन का क्या, नाइन फादर हो गया, थ्री क्या ट्वेल्थ फ्रॉम फोर्थ। अब इसमें क्या होता है कि इंडिया में जो आठ साल तक जो है जो लीगल हमारा सिस्टम है वो ये कहता है कि मदर को ही जाना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है जिसमें फादर को जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो है जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, या तो माँ जो है पागल हो या माँ प्रचलन हो या मदर और फादर के अंदर इकोनॉमिक काफी डिफरेंस होगा, ये तीन प्रोबेबिलिटीज होती है। इन केस ऑफ यूरोप एंड वेस्ट अदर वेस्टर्न कंट्रीज दोनों को बराबरी हक दिया जाता है। तो यूरोपियन जितने मैंने नॉर्मली देखे हैं उनमें मिक्स ही आते हैं, नॉर्मली मैंने देखे हैं मिक्स ही आते हैं। इंडियन केस में अगर मिक्स आता है तो उसमें यही आएगा कि कस्टडी विल बी गिवन टू द मदर बट फादर विल हैव एन एक्सेस टू द चाइल्ड, वी कैन मीट इन वीकेंड्स, वी कैन टेक द चाइल्ड फॉर से अ मंथ और टू मंथ्स व्हेन इन वेकेशन। तो ऐसा ठीक है ना, छुट्टी में ले जा सकता है, वीकेंड पे ले जा सकता है, मिल सकता है, आके मिल सकता है, जैसे वो जो है 4839 यही नॉर्मली ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो आपने सवाल उठाया था एडॉप्शन। सर ये कस्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट तो बात ही खत्म होगी, फिर तो हमारे पास भी सवाल नहीं है, फिर तो म्यूचुअल कंसेंट में भी यही होगा 4-8 होगा, मम्मी के पास चला जाएगा 3-8 होगा, फादर के पास चला जाएगा 3-9 होगा, कंसेंट होगा। तो हुआ नहीं हुआ, हमने तो बच्चे का देखना, तो कहाँ जा रहा मेरे भाई। अब बच्चे का लिटिगेशन बच्चे की और उसको लिटिगेशन हो रहा नहीं हो रहा है, दोनों भाषा में लिटिगेशन होगा तो पेरेंट्स के बीच में हो रहा है, बच्चे के साथ में होगा। अब आ गया अडॉप्शन। अडॉप्शन का क्वेश्चन तभी आया जब बात यहाँ पर आएगी कि बच्चा हो नहीं पा रहा, जिस संस्था से आप आते हैं उन संस्था में ऐसा होता है, हम जिस संस्था में है उसमें बड़ा मुश्किल है। Actually, I come from a different alien world. No, it's not alien world. I'm saying the people on the other side of Dholapur, don't mind it, are different. The people in the north Delhi are different, people in the east Delhi are different, people in the west Delhi are different. We have all four different cultures in Delhi. This is what I am trying to say. So, Dholapur ke right side ka culture ho raha hai, Dholapur ke left side ka culture ho raha hai. Udhar different hai. Udhar, agar bibi sharab pee rahi hai ससुर के साथ, द हस्बैंड इज नॉट बॉदर्ड। हमारे यहां मेरे बेटे ने अगर सिगरेट उठा ली मेरे सामने तो ये रोला हो गया भाई, मतलब हम तो रोला हो गया, उसको पता है कि बाप का क्या होने वाला, बाप ने क्या कर देना हमारा। वो हम एग्रीकल्चर में, वो डिफरेंट कल्चर है, तो ये है वहां पर सिंपल है, वो खुद ही बच्चे को बोलते ले बटप्पी, तो अच्छी बात है। अंदर की बोल, हमारा कल्चर आता है कि अगर वो नहीं भी रहा तो बोलता नहीं रहती, इसमें तो सोचो। माय डॉटर इज नॉट हैविंग एनी परफेक्ट लास्ट टाइम, इट्स नॉर्मल। हमारे आई हैव अ फ्रेंड, शी टेल्स हर डैड, कॉल्स हर डैड टू बैंड मेरे रूम में एक बॉटल भेज दो, बट शी डजंट ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ हिम। नाउ व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट और दिस नहीं है, मतलब बात ये है कि तो थोड़ा इसलिए वो कई बार रिंग रोड पार भी करते हैं, थोड़ा बहुत रिंग रोड भी पार भी करते हैं। नॉर्थ दिल्ली डिफरेंट है, नॉर्थ दिल्ली जो है वो सारे के सारे बनी होगी, शालीमार शालीमार बाग पीतमपुरा वो सदर बाजार की, साउथ दिल्ली कमला नगर वगैरह हो गया वो साउथ दिल्ली, वो बनिया बैठा वहां कल्चर बिल्कुल डिफरेंट।
वो सारे के सारे आप देखोगे जरा सी छुट्टी होगी सारे वृंदावन पाओगे पाएंगे नहीं पाओगे। और जो इधर है साउथ दिल्ली में जो लोगों के उस तरफ है वो सारे सारे बातें स्विट्जरलैंड की करते हैं। स्विट्जरलैंड से पहले तो रुकते नहीं है। कितने लोग स्विट्जरलैंड नहीं गए आपके जानकार सारे गए भाई जब आप कितने आपके घर के लोग हैं जो पंजाबी बाग नहीं गए सभी गए वैसे ही गए नॉर्मल है क्योंकि लड़का लड़की को कह रही हमारे यहाँ तो रोल आ जाए भाई क्लब कल्चर गोल्फ इस तरीके हमारे यहाँ लट्टू कंचे डिफरेंट कल्चर अपना कल्चर मक्काबट्टी गोल पतंग पतंग पिट्टू कंचे कल्चर पहले फिर आप कंप्यूटर पे कंचे खेल लेते हैं आप इस उम्र में मैं खेलूंगा आप मिट्टी भी आएंगे भाई सब अब है एडॉप्शन ठीक है। अब ये एडॉप्शन जो है ये फ्री मिला ज्योतिष में हस्बैंड वाइफ की और उसको देख के हम ये नहीं बता पाते कि वो अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे नहीं बता पाते। मेरी पांच सिस्टर्स है उसके बाद में पैदा हुआ उसके बाद मेरी मदर ने एक और बेटी अडॉप्ट कर ली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की बुद्धि का कुछ कि वो पांच बेटियां इसलिए हो गई कि बेटा चाहिए था फिर लगा एक आधा दर्जन तो पूरी हो ही तो यू डोंट नो कि वो करे ये हम बता नहीं सकते मोटी बात है कि हम नहीं बता सकते बट ये पता चल जाता है कि ये बच्चा अडॉप्टेड है उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कोई भी अडॉप्टेड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अडॉप्टेड चाइल्ड भी अपनी तरह ही पालता बच्चा अपने बच्चे की तरह ही पालता नहीं भेदभाव नहीं होता। कुत्ता भी कोई घर में एक दो दिन रह जाता तो वो आदमी वैसे ही उसकी सेवा करने रह जाता जैसे अपना बच्चा आपने देखा ये इसमें बात नहीं। तो एडॉप्शन का कॉम्बिनेशन सेम है जैसे मदर को कस्टडी का कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा फर्क है ये दूर होता है एट हाउस से दूर तो हमारे पास अडॉप्टेड चाइल्ड का कॉम्बिनेशन हमारे पास तो प्रैक्टिकल बात तो ये है कि हमारे पास मियां बीवी आएंगे कि हम हमारा बच्चा नहीं हो रहा कि हम अडॉप्ट करें ना करें मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी में यही क्वेश्चन है ना वैसे वो बच्चे तो भी अडॉप्ट करने को मना करते तो हम उनके जन्म पत्र देख के ये नहीं बताते कि आपके भाग्य में अडॉप्टेड चाइल्ड आए मुझे समझ अगर जो अडॉप्टेड बच्चे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि भाई के बच्चा नहीं हो रहा था अब उसकी बहन ने कंसीव कर लिया तो भाभी से बात कर लेती हो भाई तेरे हो नहीं रहा बोल दो अगर बच्चा पैदा हो जाए तो तेरे को दे दूंगी ये नॉर्मल है वही है निभाव नहीं है उसमें यह है ठीक है ना। तो भाभी नंद में नंद भाभी में चलता है भाई उनमें भी चलता है मतलब आपस में चलता है। दूसरा ये होता है कि कुछ नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स ऐसे सर्विसेज देते हैं कि जो लेडी अपना बच्चा अपने पास नहीं रखना चाहती सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ लोग जो है जिनके बच्चे नहीं होते वो लिखवा जाते हैं कि कोई ऐसा बच्चा हो तो हम ले लेंगे तो वो सर्विसेज भी होती है। बाकी ऑर्फनेज से ऑर्फनेज का टाइम नहीं पता होगा
बाकी होगा पता नहीं। आई नो फ्रेंड हु हैव एन अडॉप्टेड चाइल्ड एंड लाइक जब बच्चा पैदा हुआ था उसके हफ्ते में हमने बेबी को पिक किया था, तो वी डोंट नहीं पता था भी पता नहीं टाइम नहीं पता था मैं अभी कहां से बताऊं जब सो देयर इज नोबडी कैन फिगर इट आउट। इसको फिगर आउट करने का कोई फायदा भी नहीं है। अरे मुझे पता चल जाएगा कि भाई तू अडॉप्टेड है, इससे क्या कौन सा तीर मार दिया उसकी क्या सेवा कर ली उसको। व्हाट आई मीन टू से इज नॉट कि घर जाती सबकी रीडिंग करती उस बच्चे की नहीं कर पाती शी ऑलवेज क्वेश्चंस मी व्हाट अबाउट मी व्हाट अबाउट वो क्वेश्चन ही आपका डिफरेंट है ना, वो क्वेश्चन आपका डिफरेंट है कि उसका टाइम ऑफ शी डजंट नो दैट नीना ने फर्स्ट नो हर डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, तो क्वेश्चन ही डिफरेंट होगा ना उसका डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाले। हां क्वेश्चन ही डिफरेंट है इस हिस्से को मतलब आप ही वो कोशिश की जा सकती है। पर्सनल लगन से भी हो सकता है पता नहीं सर। एट हाउस डुअल होना चाहिए तो बॉडी में भी एट हाउस डुअल बता रहे हैं बता डुअल साउंड साइन पॉलीगोनेट टू प्लैनेट्स इन ए हाउस टू प्लैनेट्स एस्पेक्ट हाउस Mercury oblique Jupiter in the house. ये चार probabilities हैं, इनमें से एक probability भी अगर हो गई या ये चार condition है sorry, चार condition में से एक condition भी fulfill होगी तो उसमें भी यही कंडीशन ही लगेंगी। आर लकी टर्मिनोलॉजी भी यही है कि कहाँ उसका बर्थ और अपॉजिट नाम यूज होता है। जनरली एफ्लुएंट क्लास पीपल जनरली ठीक बात है वो कहाँ उसका बर्थ और कहाँ पहुंच गया। अब अगर ऑर्फनेज से आया तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है 101% फैमिली के अंदर हुई तो फिर बात अलग है। जैसे एक जैसे मेरा ब्रदर है अब उसकी दो लड़कियां होंगी ट्विन्स होंगी तो उसके साले का बच्चा नहीं था एक बेटी उन्होंने रख ली एक साले को I agree. मैं आपकी बात को अफर्मेटिव में ही कह रहा हूँ ठीक है। लिखा एक बार आप पढ़ेंगे सर ड्यूअलिटी चाइल्ड में जो कंडीशन लिखे है थोड़ा आप पढ़ेंगे सर उसको बोर्ड क्लियर नहीं है। जी सर मैं बता रहा हूँ ट्विंस नहीं होता ड्यूअलिटी का मतलब हो गया द्वि स्वभाव मतलब हो गया ड्यूअलिटी का मतलब जैसे नॉट अ फीमेल एंड मेल फीमेल मेल की तो बात ही करती है जमीनी जैसे है द्वि स्वभाव सामने कुछ है तो पीछे कुछ है वेल्डी कई तरीके से की जा सकती है। एक मिनट आ जाने इनको काम कर दू चाइल्ड बर्थ
ये चार साइन जो है वो ड्यूअल जेमिनी सजिटेरियस वर्गो एंड पाइसेस चारों को ड्यूअल कहा गया। ड्यूअल का मतलब क्या, जैसे जन्म मतलब पर्सनैलिटी जो सामने है वैसे हम है नहीं, जरूरी नहीं है। तो जो जेमिनी है उसको ड्यूअल इसलिए कहा गया कि वो तो पहले तो दिखता ही वो साइन जो है मेल और फीमेल। फिर ये एरी साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको हवा बाजी करके बुद्धू बना के फिर अपना दूसरा फेस दिखा देंगे। जैसे आप मेरे से पूछो सर जी क्या पढ़ाएंगे, मतलब मैं क्या पढ़ाऊंगा, तुम मुझसे पूछती है मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं तो वो पढ़ा सकता हूँ, मतलब बातें बड़ी बड़ी। और जब फीस अंदर आ गई उसके बाद जयराम जी की, उसके बाद उसका दूसरा फेस आ जाएगा। भाई ऐसे थोड़ा ना पढ़ाते हैं भाई, गुरु जी की वो सेवा सुबह होती है, ऐसे पैसा क्या चीज है, पैसे से खरीद लिया तुमने मुझे, उल्टा पढ़ जाएंगे भाई, पैसे से ही तो पढ़ाएंगे मुझे और क्या और क्या भाई, आज तो स्कूल में फीस देते टीचर पढ़ा देता। तो ये जर्मनी है समझ लो, एरी नहीं बता, एरी एसेंडेंट, ठीक है ना। एयर प्लस हवा में, हवा हवाई किले बना के आपको दिखाने, मेकिंग कैसल से नहीं अंग्रेजी में, पांच साल केजरीवाल, ठीक है। दूसरा आ गया मीन है, पाइसिस है, तो वो मछली है, वो भी डुअल नेचर है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, वो वाटरी है, विजडम है, वाइज है, वो इंटेलिजेंट है जो जेमिनी है, ठीक है ना। वाइज का मतलब उसमें क्या है कि जो मछली है वही और जो वाटरी हो गया, तो इसका मतलब वो में हिम्मत कम है। तो अगर आपके ऊपर कोई समस्या आ गई, आपका मैं दोस्त हूँ और मैं पाइसिस हूँ, आपके कोई ऊपर समस्या आ गई तो मैं ये देखूंगा कि मैं आपकी हेल्प करने से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं भाग जाऊंगा मछली की तरह, जहां भी रास्ता मिलेगा इस तरफ या उस तरफ, दे विल स्लिप कोई बहाना करके, वो नहीं मेरी जनानी एम होगी, वो कुत्ते कोई मर गया, ऐसे बहाने कहते हैं ना, वो मैंने जाना पै गया, ठीक है। दूसरा है सजिटेरियस, ये भी दुई स्वभावी है, ये फास्ट एज हॉर्स एंड एक्यूरेट एज मोर एंड आरो। हाँ जी सर जी, हाँ जी लोग, ठीक है। ये दोनों जो है डुअल तो है लेकिन ये अपोजिट नहीं है ना, ये तो साथ में है, तो ये तुम्हें तो कोई ऐसी बात नहीं, वाइज नहीं है, सिर्फ इतनी डुअलिटी है ये कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि ये वो जो एरो लेके बैठे हैं छोड़ेंगे वाइजली, दिखा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो पक्का नहीं, वो तभी छोड़ेंगे जब उनको लगना है निशाना लगेगा, बस ये इतनी ड्वेलिटी हो, इससे ज्यादा वो नहीं। इस तरह से वर्गो जो है वो भी जो है वो भी डुअल है, वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों सोच के काम करते हैं, क्योंकि वो अर्धी है, अर्धी है ना, जमीन से हवा में नहीं है, तो जो हवा में नहीं रहते लोग वो तभी किसी चीज में घुसेंगे जब उनको लगेगा ये मैं काम कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं घुसेंगे। तो ड्वेल्टी इस तरह से यूज होती है जो राशि में, इधर हम ड्वेल्टी डिफरेंट तरह से यूज करें अडॉप्शन के अंदर,
एडॉप्शन में अंदर कैसे यूज कर रहे हैं कि ड्वेल्टी से क्या होगा कि समझ लो किसी अफगानी बच्चे को गुजराती माँ बाप ने गोद ले लिया तो एट हाउस जो हो गया वो डुअल हो गया, लेगेसी डुअल होगी। तो वो जब बड़ा होगा तो 6.5 फुट का होगा और पापा जी उससे ऐसे बात करेंगे, बेटे ध्यान से बिजनेस किया अगर आज फिर तूने नुकसान कर दिया है ना, वही वही कहा क्योंकि जो उसकी नेचुरल लेगेसी है वो तो उसकी जो डीएनए स्ट्रक्चर अपने नेचुरल माँ बाप की तरह होगा 6.5 फुट का होगा, लेकिन वो कहलाएगा पटेल, करेगा धंधा AK-47 नहीं उठाने वाला, गोरा चिट्टा पटेल। ये क्या होता है गोरा चिट्टा पटेल? अच्छा अच्छा गोरा चिट्टा पटेल ओके ओके तो पहले उसका मजा ले लेना, फिर पता दिन पता करेगी मजा मजा था गया ठीक है। तो ये डुअल, तो कई चीजें डुअल हो सकती है ना। तो ये हो गया एडॉप्शन का, ये हो गया ये चारों पॉइंट थोड़ा सा मैं बता, एक है ये चार जो साइन है जैसे एट हाउस है, इन चारों साइन में से एक साइन उसके अंदर हो, हाँ या तीन हो या छह हो या नौ हो या बारह हो, इस तरीके से एट हाउस में या तो तीन हो या छह हो या नौ हो या बारह हो, एनी वन ऑफ देम, या टू प्लैनेट्स इन द हाउस। तो इससे क्या मतलब मार्स है भाई, एक तो 4-8 हो बच्चे का दशा भुक्ति अंतर में बचपन में। अब मैं कहूँ जी मायावती मुझे गोद ले ले, अब थोड़ा लेगी तो साल 6 महीने कहूंगा, 2 साल का 3 साल का उससे ज्यादा बाद में थोड़ा ना लेता है। और 8 तो डुअल हो उसकी जन्म पत्नी में, या तो 3-6-9 बारह या मंगल, 2 प्लैनेट कोई भी, अगर सिर्फ शनि हो या मंगल, एक ना दो चाहिए, कोई से भी 2 प्लैनेट, हाँ या अकेला मरकरी या जुपिटर, या 2 प्लैनेट उसको देखते हो तो ये इधर शनि है इधर जुपिटर है, जुपिटर यू देखा है शनि वहां भी देखा, तो एनी ऑफ द 4 कंडीशंस मैडम, मरकरी जुपिटर तो अकेले ही ड्वेल्टी है क्योंकि तो वही डुअल है, वो तो अकेले ही काम कर रहे हैं, तो सारे डूल हो गए तो है ही नहीं। तो इसके इतना इंपैक्ट क्या आएगा, मैं ये पूछ रहा हूं, अडॉप्शन बच्चा अडॉप्ट हो जाएगा, वो आज लड़का अडॉप्ट हो जाएगा, ये हम बच्चे की मम्मी देख रहे हैं ना, ये बच्चा किया जाएगा किसी से है ना, हम मेरे को यही कुछ नहीं देता कि हम ये तो नहीं देख रहे कि किसी की पत्नी में अगर तो ये अडॉप्ट करेगा, हम ये देख रहे हैं कि ये तो बैक कितनी बार कर अडॉप्ट अडॉप्शन को हम बताएंगे प्रैक्टिकल यूज नहीं है, फ्री विल तो है ही है। अब ये बच्चा जो है इसके बारे में देख लेते हैं, अभी सर इनमें से कोई भी कंडीशन एक भी होगी तो यानी और लिखा और ये अंग्रेजी का और ये हिंदी का दोनों में से दोनों चल रहे हैं, दो ही हैं तो भी चल रहे हैं और हाँ वो की मात्रा अगर वो या वो आ तो और है। अब आ जाते हैं कि ये लड़का है, ये 26 अगस्त लिखता नहीं है ना, अब ये बच्चा जो है ये जब पैदा होने से पहले ही माँ बाप का डिवोर्स का केस शुरू होगा, अब जब बच्चा पैदा होगा तो 90% केस ये आएगी कस्टडी का केस भी होगा ठीक है। अब ये पैदा कब हुआ, 91 में ठीक है ना, पैदा कैसे हुआ, मम्मी ने पैदा किया ठीक है, तो जुपिटर सेचन में पैदा होगा ठीक है। अब देखते हैं सारे प्लैनेट पहले देख लेते हैं, 4-8 बता रहे हैं, 3-8 बता रहे हैं, 3-9 बता रहे हैं, तो केतु में 4 है, 4-8 इज मदर,
वीनस में 3-8 अदर एंड 8-4 मदर, 3-8 अदर 4-8 मदर, सन में 4 मदर, मून में कुछ नहीं, मार्स में सिर्फ 9 फादर, राहु में 9-3 फादर, 3-8 अदर 8-4 मदर, मदर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर इज द वीकेस्ट, जुपिटर 4-8 मदर 3-8 अदर, सैटर्न मदर, मर्करी मदर एंड अदर, इसका मतलब मदर ही ज्यादा आ रही है, फादर तो है नहीं पर अदर भी आ रहा है। अब हमें डिसीजन तब आएगा देखना है जब तब बात होती है, हिंदुस्तानी कानून 2-4 साल तो लगते, तो जैसे जुपिटर के तू देखें हम तो जुपिटर जो है मदर और अदर में अदर इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, और जुपिटर केतु में मदर हो गया, इधर मदर अदर मदर, बाकी तो कहीं अदर आएगी तो इसका मतलब मदर को ही मिलेगा। तो फिर इसका देखो आप ये 4-8 इसमें है ही है, बहुत ज्यादा है, 8th हाउस इसका ड्यूअल है, वर्गो इज देयर राइट। तो बाद में जब 4 साल का हुआ है तो जब नाम लिखवाते हैं बच्चे का स्कूल में तो मामा ने अपना नाम लिखवाया एज फादर, फिर उसके साथ क्या है कि ये बच्चा जो है प्रैक्टिकल कंडीशन अगर आप देखें तो घर के अंदर 3 मंजिल है, टॉप पे इसकी मदर रहती है, बीच में इसका ब्रदर रहता है और सबसे नीचे मदर रहती है। तो बच्चे का तो पता ही है जब ऐसी कंडीशन में ला रहा है तो वो बच्चे मामा के बच्चे भी सेम एज के, तो कभी मामा मामी के साथ सो गए जाके, कभी बच्चे नानी के पास सो गए, तो ये सभी कुछ है यार, मदर अदर और अडॉप्शन तीनों ही लीगली मदर हो गए, बाद में अडॉप्टेड हो गए, फिर उसके बाद एक्चुअल में अदर नहीं, अदर मदर दोनों, एक्चुअल में अदर मदर दोनों, अब बेनिफिट ऑफ ज्वाइंट फैमिली है बट फादर से चला गया, ठीक है ना। अब एक जन्म पत्री लगानी है, ये 16 मार्च 1989 है ना, मार्च 1989 ये फीमेल है मेल है, क्योंकि मेल कंसीव नहीं करते दिल्ली के अंदर, फीमेल है। अच्छा ठीक, अब इसमें वही देखेंगे हम कि कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव है ना, 1-4-10 आर नेगेटिव, 2-5-11 पॉजिटिव। अब सचिन को देखते हैं तो सचिन इज पॉजिटिव राइट, सन को देखते हैं इट इज लिटिल मोर नेगेटिव, ठीक है स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट मैंने दिखाई नहीं, बल्कि शादी मैम कब हुई, केतु इज मोर पॉजिटिव बट यू सी 6-12 इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना, कंप्लीट 6-12 है, ये देखो कि 2-5-11 भी है 6-12 भी है, इसका मतलब क्या होगा, केतु बता रहा है कंसीव करा सकता है साथ ही साथ अबॉर्ट करा सकता है, ठीक है ना, नहीं पॉजिटिव दोनों चीजें होती है, दे आर नॉट यूजिंग तो कंसीव कर जाएगी, कोई इशू ही नहीं है, बट ये अबॉर्ट होगा। रीजन एक और भी आपको इसमें नजर आएगा कि इसमें डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन भी है और एग्रेशन भी, तो मूड स्विंग्स होते हैं, तो जब भी आपका मन में कोई समस्या आए तो फिर वो शरीर पे आती है, ठीक है ना। वीनस में कंसीविंग के भी है, ठीक है ना, इसमें भी 2-1-6-8 डिप्रेशन और एग्रेशन दोनों चीजें नजर आती है। अब आ जाते हैं हम सन पे, तो सन में भी 2-5-11 में 1-4-10 दोनों मिक्स है, तो शी कैन कंसीव बट दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा विच वन इज स्ट्रॉन्गर, नो चाइल्ड होना इज स्ट्रॉन्गर, सम मेडिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड, ठीक है।
आगे मून जो है वो भी नेगेटिव ज्यादा है, उसमें 6-8 भी है, नेगेटिविटी बढ़ रही है। नेगेटिव मार्स जो है दैट इज बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अभी बाद में बात करते, पहले पूरे पूरे हॉरस को देख लेते हैं। अब राहु जो है वो मिक्स हो गया, जितने नेगेटिव है उतने पॉजिटिव है, जुपिटर ज्यादा पॉजिटिव है, वो उसमें 6-12 नीचे है, लेकिन क्योंकि वो जुपिटर है तो वो 6-12 की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सैटर्न ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि जुपिटर नेचुरल सेल में होता है, उसमें 6-12 कम हो जाएगी। सैटर्न ज्यादा पॉजिटिव है, मर्करी ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ये उनको कहेंगे कि अगस्त 19 ऑनवर्ड से अगर कंसीव करते हैं तो हम 9 महीने चेक करेंगे। तो अगर ये अगस्त सितंबर में कंसीव करते हैं तो आजकल 8 महीने में बच्चा हो रहा है, तो सितंबर के 3 महीने मई 2020, तो ये राहु इज पॉजिटिव, जुपिटर इज पॉजिटिव, सैटर्न इज पॉजिटिव, मर्करी इज पॉजिटिव, केतु में दिक्कत है कोई बात नहीं, वो तो एंड में ही होनी है, ये नहीं हो रहा। दिस विल बी मोस्ट पॉजिटिव टाइम, क्योंकि इससे पहले अगर हम करते हैं कंसीव करते हैं तो इसमें अबॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 32%। तो ऐसे में मतलब हमने ऐसा प्रेडिक्शन बनाया कि पहली बात ही कंसीव में तो कोई दिक्कत नहीं, कंसीविंग के बाद दिक्कत है, उसका रीजन है इसको मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। हेल्थ इसकी अच्छी नहीं रहती, मूड स्विंग्स करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी होती है। तो अब आप देखेंगे इसमें 2, 6, 10, 11 क्लियर, देखो सन मार्स राहु शनि मरकरी में तो बहुत ही अच्छा है, बाकी जगह भी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन करियर। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है ये होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 2, 6, 10, 11 मैनेजमेंट में सन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, मार्स पॉजिटिव हो गया 6-11, राहु पॉजिटिव हो गया, शनि पॉजिटिव हो गया, मरकरी 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव हो गया, बाकी जुपिटर मिक्स है, मून मिक्स है, केतु मिक्स है, मिक्स वाले हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के टाइम पे ये पॉजिटिव रहेंगे, जब मिक्स में इसको पंगे होते रहेंगे, कोई ग्रोथ नहीं होगा। बाकी में 6-12 तो वही मिक्स चलते ना, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जब भी ये हमने देख लिया कि जब जब हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ ज्यादा होती है तब तक हमारी रिलेशनशिप जो है वो ऐसी अच्छी नहीं रहती, ये नॉर्मल है। जब वो 1-2 साल 3 साल तक उसके बाद वो अडॉप्ट नॉर्मली नहीं होता, बचपन में होना चाहिए, 55 में थोड़ी ना कोई लेगा अडॉप्ट, वही तो बताया मेरे को मायावती बहन बना ले, मैं बहन बन जाए मैं उसमें भी मतलब सेटिस्फाइड। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे,
जी बताइए सर, अभी आपने जो क्वेश्चन आपने ये अपना अडॉप्शन हमने किया डिस्कशन से पहले, तो जिसमें आपने बताया कि जो आठवां घर है, आठवां हाउस है, उसमें जुपिटर और मर्करी नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं अडॉप्शन के, और 3, 6, 9, 12 अगर साइन उसमें आया हुआ है या एक्सपेक्टिंग कोई कर रहा है उसको, अगर वो नेचुरली किसी के हम हॉरोस्कोप में देखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वो अडॉप्टेड है जी नेचुरल। जी सर, इससे हमें पता चल जाएगा वो अडॉप्टेड, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हमें ये कहना। सर अगर किसी का नॉर्मल पेयर्स हैं और उसके उसमें आ जाए, उसमें भी आ सकता है वो या नहीं आ सकता उसमें चांसेस? सर मैं वही बता रहा था ना सर, वो साल दो साल तक में आना चाहिए, उसके बाद तो वो अडॉप्शन नहीं होती ना सर। ओके सर, ठीक मैं कंफ्यूजन हो गया सर। बच्चा पैदा ही होते होते मतलब 90% केस में पैदा हुआ बच्चा और अडॉप्शन, बाकी जो 15-20% केसेस हैं वो ऑर्फनेज से ही होते हैं, वो भी साल दो साल तीन साल चार साल मैक्सिमम हो गया, उसके बाद कहाँ अडॉप्शन, कोई भी 4-5 साल का बच्चा अडॉप्ट नहीं करता नॉर्मली। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। लीगल है, कुछ लोग अपने टाइम ऑफ डेथ होते सारी एफेक्ट वो अलग चीज होगी ना, जैसे कोई मेरे को दे गया, मैं बच्चा तो नहीं हुआ ना उसका, बेटा नहीं हुआ, वो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, अडॉप्ट नहीं करता, अडॉप्ट नहीं करता, बहन में बती कर दे, हाँ बता दू क्या कर बता, बहन बता जो भी है पता चल जाता थोड़ा नहीं 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 मेरे को इसलिए पूछना था, थोड़ा कंफ्यूजन ही हो जाता है कि जैसे बहुत सारा नंबर एक ही साथ आता है ना तो वो पता नहीं लगता। नहीं नहीं, अगर बहुत ज्यादा नंबर एक इसलिए दिस प्रॉब्लम विल कम नॉट ओनली फॉर चाइल्ड बट दिस प्रॉब्लम विल कम फॉर मैरिज आल्सो, दिस प्रॉब्लम विल कम फॉर प्रोफेशन आल्सो, मोर यू विल गो ऑन डूइंग इट मोर इट विल बी इजियर फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मिक्स है तो रिजल्ट मिक्स है, जैसा मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन है जन्म पत्नी में ही, ये मैं तेरा प्रॉब्लम हल कर देता हूँ, प्रॉब्लम ही हल कर दी ना। अब इसमें बड़े सारे हैं, जैसे हुए 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, अब इसमें जो पॉजिटिव हो गए तेरे 2, 5, 11 और तेरे नेगेटिव हो गए 6, 8 and 12, अब इसमें 1, 4, 10 नहीं, सिर्फ 10 ही है, 10 तो हार गया, नीचे भी यही है और इसके नीचे 1, 2, 3 कंसीडिंग तो हो जाएगी क्योंकि 2, 5, 11 है, 6, 8, 12 रहा दबाड़ भी हो जाएगा, हमने दोनों बातें क्या देनी है, जितनी है उतनी क्या देनी है। अब एग्जांपल है, एक सुन कहते देख 6, 8, 12 अब इसके साथ समझ ले 1, 4, 10 भी था, 1 भी है और 4 भी है, अब क्या बोलेंगे हम, अब हम बोलेंगे कंसीविंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन बट द चाइल्ड वोंट सर्वाइव, शी विल हैव अबॉर्शन अगेन, सो नथिंग कैन बी डन, इसका मतलब कंसीविंग होगी होगी, 1, 4, 10 है उसको रोकेगी रोकेगी नहीं, अब देखो 50-50 है, उधर से 6, 8, 12 भी उसका दोस्त है तो 1, 4, 10 की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो मेडिकल इंटरवेंशन कुछ मेडिसिन से कुछ किसी चीज से बच्चा अभी भी कंसीव तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि 6 से 12 तो चलता ही रहेगा और वो स्ट्रॉन्गर है तो बच्चा स्टे नहीं कर पाएगा। सर 1, 4, 10 इज व्हाट, नो चाइल्ड, नो चाइल्ड एंड 6, 8, 12 इज अबॉर्शन, मिसकैरेज, अबॉर्शन मिसकैरेज, एंड जब 9 मंथ पूरा हो गया तो फिर सीजेरियन बच्चा, जो दिख रहा है वो आप लोग बोल देना बात करना, आईवीएफ के केस से तो दोनों कॉम्बिनेशन को एनवी वर्सेस एनवी को, आईवीएफ के केस के अंदर वो एकदम से नहीं होता, पहले वो इसको इंजेक्शन लगाते हैं, फिर
फिर उसके बाद जब इंजेक्शन कई महीने का कोर्स होता है फिर उसको ट्राई करना। इस बीच में दशा मुक्ति अंतर बदलता रहता है। अगर 2511 थोड़ा सा भी आ गया तो वो कंसीव हो जाएगा, आगे का पीरियड ठीक है तो ठीक भी चल पाएगा। इसलिए आईडीएफ में प्रॉब्लम आती है, परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज लेस, क्योंकि दिक्कत तो लेडिंग के अंदर है ही है ना, जन्म पत्री भूल जाते हैं स्टूडेंट, बात है दिक्कत तो उसमें आई है तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस तो आनी कम है। एस्ट्रोलॉजी से बेनिफिट ये हो जाएगा कि जब पॉजिटिव पीरियड काफी आ जाएगा, जैसे इस केस में आ गया, तो हम बोलेंगे आप मत चक्कर में पड़ो आईपीएफ के, आप 2 साल इंतजार कर लो ना 2019 तक, क्योंकि वो जो आईबीएफ के अंदर शरीर का सत्यानाश करता है जनानी ऐसी रहती है शरीर, उसके बाद वो ऐसी नहीं हो पाती। हाँ शरीर को बहुत प्रॉब्लम आती है, इट्स नॉट इजी। तो ये हमारे को बेनिफिट है, तो एवरी साइंस हैज इट्स ओन, नेगेटिव की भी बात है, एवरी साइंस कैन हेल्प। हम ये तो नहीं कर सकते बच्चा गलत करा सकते, ये तो डॉक्टर ही कराएंगे, दे नो इट बेटर। हम टाइम एक अच्छा बता दें क्योंकि यहाँ पर ट्राई करते बिना किसी दिक्कत के। अब आ जाते हैं सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, एक छोटी सी सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो, आपकी नहीं क्वेश्चन सर। चार जैसे आपने डाला कि फोर्थ हाउस डाला, तो मेडिकल इंटरवेंशन आपने बोला, तो सर फोर का मतलब मेडिसिन भी होता है या मेडिकल का किसी तरह का कुछ लिंक है? नहीं यार भाई, वो इसलिए नहीं मैंने बोला, मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उसके अगेंस्ट कॉम्बिनेशन ज्यादा है, तो अब हम किसकी हेल्प लेंगे, ये कॉमन सेंस। अच्छा मेडिकल साइंस की हेल्प लेंगे। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था सर? मेरे को एक क्वेश्चन एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ जी सर, क्लास के बाद अगर हमारे को सर एक होमवर्क दे दे करो सर, कोई वो किसी ने क्या है मैं दे देना। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ईमेल कर देता अगर हमारा क्वेश्चन पूछता उस समय ध्यान दे पाऊं, ईमेल कर देना। ठीक है सर, एक मेरी एक कुंडी है, एक मेरी नहीं देखती मैंने, अरे उसी से पता लगेगा। चाइल्ड बर्थ क्यों होगी? चाइल्ड बर्थ क्या है आपकी कुंडली? मेरी नहीं है, मतलब कि मैं दे रही हूँ। क्या क्वेश्चन? माय ब्रदर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट लाइक चाइल्ड बर्थ कंसीविंग में उनको इश्यू आ रहा था। ब्रदर को नहीं हुआ कंसीविंग में? नो लिसन ना, लेट मी फिनिश। 8 December 1980 तो दे यस्टरडे मैं तो पंडित जी को आल्सो सेड कि आपके फर्स्ट चाइल्ड में हो चुकी थी दिल्ली, आपके फर्स्ट चाइल्ड में आपको इश्यू हुए होंगे, कोई कैसे बताया? पंडित जी बताएगा, तुक्का मार दिया होगा पता नहीं क्या नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। सेकंड में क्यों नहीं बोला? सेकंड में हुआ इनके नंबर से बताओ मुझे पता नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है बताने का। हम यही कहते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि जो कंसीव करता है वो हस्बैंड नहीं करता है, वाइफ करता है। सुनने नहीं गलत, हस्बैंड के चाइल्ड से वाइफ कंसीव करेगी नहीं करेगी हम नहीं बता सकते, या वाइफ बच्चा अबॉर्ट होएगा नहीं, हम हस्बैंड के चार्ट से हमारा मेथड नहीं बताता। पंडित जी कुछ बता देते हैं हमें पता। नहीं उन्होंने देखी तो दोनों की थी, but he also mentioned कि you must have had trouble having the first child which they did, so how did he see that? I don't know, I've not seen the horoscopes, so how can I say? हाँ बताओ क्या बताओ इसका confusion क्या example दे सकते हैं? ये female ही है ना? हाँ female, male और मेरे को पसंद है तो पता नहीं चलता जी, आजकल जमाना बड़ा खराब है। सचिन का पीरियड चल रहा है, she's pregnant right now. Mercury जो चल रहा है वो है 237 5 7 5 7 moon shani started from September
इसका देखते हैं हम, जैसे इसका दशा चल रही है मूल की, कैसा है मन कैसा नेगेटिव है। इसमें 4, 10, 1 भी है और 5, 9, 11 भी है, ठीक है ना। ये मोर टुवर्ड्स नेगेटिव हो जाएगी। मार्स बिल्कुल खराब है, ठीक है ना, वो तो उसमें कुछ है ही नहीं, सत्यानाश, ठीक है ना। मून मिक्स हो गया, मोर टुवर्ड्स नेगेटिव हो गया। राहु जो है वो बहुत ही बढ़िया हो गया, 2, 5, 11 बहुत ही बढ़िया है इसके, है ना। जुपिटर खड़ा करके सत्यानाश हो गया ना, ये प्रेगनेंसी करा देगा क्योंकि ये जुपिटर है, लेकिन बाद में वर्ड भी पक्का कराएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 8, 12 4 भी है, 2 बार 4 है। जो शनि है वो हमारा ठीक है, 5, 11 ऊपर है, बीच में 4 जो है वो नेगेटिव है, फिर नीचे 5, 9 तो है, ठीक है, 9 सपोर्ट है। मरकरी हमारा बहुत बढ़िया है, केतु हमारा बहुत बढ़िया है, इग्नेस हमारा बहुत बढ़िया है, सन हमारा बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मून जुपिटर सितंबर 2016 के बाद, मून शनि मरकरी सितंबर 2016 के बाद अक्टूबर नवंबर कभी भी कंसीविंग इज पॉसिबल। अभी कोई आगे 9 महीने दिल्ली में रहती है ना, ये फरीदाबाद, वो दिल्ली दिल्ली के पास होगी, तो फिर ये 9 महीने में बच्चा होगा, ठीक है ना। अब हमें देखना है, सर नेगेटिव नेगेटिव टोटल नेगेटिव है ना, आप इसमें रहेंगे 4, 7 और नीचे 1 है और ऊपर से 5, 9, 11 भी है, तो इसको हम ये कह सकते हैं 40% नेगेटिव, 40% पॉजिटिव, 60% नेगेटिव। ऐसे में अगर स्ट्रांग भुक्ति आएगी तभी काम होगा, अगर स्ट्रांग भुक्ति नहीं आएगी तो फिर ये अबॉर्ट हो जाएगा बच्चा, वो कंसीव होगा। एक अब ये मून शनि सितंबर में खत्म हुआ है और ये 1 साल तक का पीरियड है, मई 2018, ठीक है ना। तो अब ये सिर्फ एक मार्स है जो और जुपिटर है जो बिल्कुल सत्यानाश है, तो 6 प्लैनेट पॉजिटिव है, 1 मिक्स है, 2 नेगेटिव है, तो बच्चा होने में प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए, तो प्रेगनेंसी पीरियड भी इसका ठीक सही रहेगा। तो शनि मरकरी केतु वीनस अब चल रहा है वीनस, तो चाइल्ड बर्थ इज एक्सपेक्टेड। अच्छा मई 2018 सितंबर 2016 से मई 2018, तो ये तो 2 साल का पीरियड है। तो अभी कब आज की तरह चलता है, अप्रैल, कितने महीने हो गए, ठीक है ना, मई तो ठीक है, मई में वीनस चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 168 है वीनस में, ठीक है, ये वेरियल हो गया। मार्स में शी इज डन इट विद आईवीएफ और ये भी 168 है। हाँ। हमारे हिसाब से क्योंकि ये पहले इसका शनि चल रहा था, सॉरी जुपिटर चल रहा था, तो इसने आईवीएफ वैसे कर लिया, कोई जरूरत हमारे हिसाब से नहीं। They might have tried. They were trying since 10 years. They have a son already. They had a son. नहीं, husband का देखना पड़ेगा, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं नजर आ रही IPF की। Husband का है, ठीक है, हमारे हिसाब से जो लग रहा है कि इस पत्री में तो ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आ रही कि भाई 10 साल कर रहे हैं। मून जुपिटर का पीरियड ऐसा जरूर है जहां पर अगर इन्होंने ट्राई किया तो बच्चा नहीं हुआ, जो फीमेल की और उसको नो नो इट्स नॉट एन एज, आई थिंक एज तो कुछ भी नहीं है, 37 कोई बात नहीं, 37 की होगी तो
एज तो ठीक है, 26 में तो बच्चा हुआ ही है, सर एक केस था सर, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों के चार्ट में बच्चा नहीं होना चाहिए, बस एक हुआ हुआ है, दूसरा कंसीव ही नहीं हो रहा है, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। डेट ऑफ बताना। सर 8 फरवरी 1984 लड़की की है। 8 फरवरी 1984 टाइम 12 बजे रात के। और प्लेस जम्मू। और हस्बैंड का बताइए। सर हस्बैंड का है 28 जुलाई 1977। और यह है 3:42 AM प्लेस जम्मू। इनका अक्टूबर 2008 में एक बच्चा हुआ है। दिख नहीं रहे मुझे, चश्मा लिया है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करने वाले बच्चे इसलिए मार। हाँ पढ़ाई वाले बच्चे हैं, देखे हाँ दिखाई दे रहे और ये नेचुरल सिग्नल में राहु केतु शनि ऐसे हम मानते हैं, राहु केतु खासकर इसके अंदर जो होना है वो बड़ा जबरदस्त होता है, ये नेचुरली भी है, जैसे सन मून के सामने आ जाते हैं तो ये राजा को भी परास्त करते हैं, इसको मतलब काफी स्ट्रॉन्ग। बड़े सारे नंबर आते हैं और फिर इसमें क्या है कि जो होना है ना वो हो नहीं, पॉजिटिव भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ वो बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये वाली हॉरोस्कोप के ऊपर कि 98 में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। ये फीमेल की हॉरोस्कोप है, नहीं 2008 में हुआ सर, 2008 अक्टूबर 2008 अक्टूबर 2008। अच्छा मैंने क्या बोल दिया था, 98। अच्छा सॉरी अक्टूबर 2008 है। अब ये वीनस का पीरियड चल रहा है वाइफ का और शनि का चल रहा है जिस समय पे बच्चा कंसीव हुआ, ठीक है। अब वीनस जो है 1-1-1-4-5 तो ये तो नेगेटिव बता रहा है, शनि 1-4-1-4 2/5 है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम टाइम है 0:00
ये तो नेगेटिव बता रहा है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम ये हस्बैंड की हॉरोस्कोप पे। हस्बैंड की हॉरोस्कोप में चले जाते हैं 2008 में, ऊपर 2008 अभी हो गया मून में मार्स, मून में मार्स में कंसीव, ठीक है। अब मून बता रहा है यहाँ पर काफी नेगेटिव बता रहा है ना, और मार्स जो है वो मिक्स है, ठीक है। अगर ये वाइफ का केस है तो ये नेगेटिव है, अगर ये हस्बैंड का केस है तो ये प्रोबेबल है। हमेशा मतलब जैसे मैंने शुरू में लिखा था 80-20 वाला मामला है ना, तो अगर हस्बैंड में बिल्कुल कुछ नहीं होता तब जाके हम उसको नेगेटिव कहेंगे, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे। अब जैसे ये मून है, ये बहुत खराब, ये वाकई खराब है, तो अगर हम इसको समझ लो 2-3 मिनट आगे ले लेते हैं, ठीक है, तो ये तो अब ठीक है जैसे मून मार्स, ठीक। लेकिन दिक्कत फिर भी है इसकी जन्म पत्री में, जैसे ये मार्स की दशा चल रही है, इस सॉरी मून की दशा चल रही है, इसमें कंप्लीट 1/10 तो है ही। लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाते हैं, ये सिर्फ जो हस्बैंड को सिर्फ स्पर्म देना है बस और कुछ नहीं, तो ये तो पत्री फिर भी ठीक है। लेकिन ये वाली थोड़ी अभी समझ में नहीं आ रही है, ये होगी तेरी ये 0-0, एक मिनट ट्राई करते हैं, इसमें कोई लंबा लोचा है, एक मिनट बहुत मतलब ये हस्बैंड का तो ठीक है, वाइफ की पत्री समझ में नहीं आ रही है कि मतलब जैसे ये 0-0 करते हैं तो ये बच्चा हुआ कैसे, इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। सर एक्चुअली प्रॉब्लम तो बहुत है कि ये पिछले 6-7 साल से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा, होता है तो स्टिल बॉर्न में भी एक हुआ, वो अबॉर्शन हो गया, सर ये 8th की नाइट को पैदा हुई है, आप 1-2 मिनट ऊपर ले सकते हैं, 9th ले सकते हैं, 8th की नाइट को 12 बजे डॉट पैदा हुई है, अब घड़ी खराब हो तो 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। 8th की नाइट या 9th की नाइट? 8th नाइट, 9th नहीं ले सकता ना मैं, 7-8 की नाइट है, 8-9 की नाइट, 8-9 की नाइट है सर, 8-9 की, 8-9 सर, हाँ मतलब 5-10 मिनट का, हाँ कम 5-10 मिनट का तो हस्बैंड में भी हमने जुगाड़ कर लिया, लेकिन एक मिनट अभी एक देखने पर चलेगा। अब ये दशा होगी 2008 में सन में, सन में जुपिटर तो यार चाइल्ड बर्थ बता रहा है, देख अगर क्या कहता है, अब तो 24 घंटे का फर्क हो गया ना,
हमें लेना है नौ, अगर नाइन्थ ले रहे हैं तो हमको 12:01 लेंगे ना, शनि एक मिनट ये मान के चल लेते हैं यार, जैसे है मान के चल लेते हैं ये चाइल्ड बर्थ केतु डिनाइज वीनस इज पॉजिटिव सन इज वीक वेरी वीक ऑलमोस्ट मतलब वेरी नेगेटिव मून इज डिनाइज मार्स इज डिनाइज राहु इज 50-50 विद 168 ये 6 आदमी है इसमें जुपिटर जो है वो क्योंकि नेचुरल सिग्निफिकेंट रहा है वो पॉजिटिव है शनि भी नेगेटिव है और मरकरी जो है वो नेगेटिव ज्यादा है अब इसमें हम देखें कि वीनस शनि में कंसीव हुआ 2008 अक्टूबर का बच्चा है 2007 अक्टूबर का यार दोबारा पता बता सर 8 अक्टूबर 2008 सर ये मैंने ना 12:01 अब लिया अब वैसे लग रहा है क्योंकि जुपिटर की दशा आ रही है जनवरी में ये 12:01 9th को लिया अगर 1 मिनट ऊपर होता तो फिर तो काफी फर्क है 9th को लिया ये 8 तारीख की शाम को 12 बजे पैदा हुई ना तो अगर 1 मिनट ऊपर हुआ तो 9 हो जाएगी टेक्निकली तो फिर ये दशा कौन सी फिर सर फिर जुपिटर की चल रही है जनवरी में नहीं, फिर हो सकता नहीं क्या वीनस जुपिटर सन जुपिटर सर ये सन जुपिटर चल रही है फिर तो वही फिर सन जुपिटर अब इसको हम 12 बजे मान लेते हैं जैसे तो सन में जो जुपिटर है वो तो पॉजिटिव है बिकॉज जुपिटर इज नेचुरल सिग्निफिकेंट और दूसरा प्लैनेट होता तो उसको हम पॉजिटिव उतना नहीं कह पाते सन इज 50-50 जुपिटर इज मोर पॉजिटिव बिकॉज इट इज जुपिटर दूसरा होता तो 50-50 होता अब हम इसको देखते हैं पत्री को केतु इज नेगेटिव वीनस इज नेगेटिव मून इज मोर टुवर्ड्स नेगेटिव मार्स इज पॉजिटिव राहु इज मोर टुवर्ड्स नेगेटिव सैटर्न इज मोर टुवर्ड्स नेगेटिव मरकरी इज पॉजिटिव अब दशा जो चल रही है इसकी वो चल रही है इस समय पे मून की मून मून तभी ठीक है तो एक्सप्लेन हो रहा है कि अभी क्यों नहीं हो रहा है तो ठीक है यार कोई दिक्कत ही नहीं वो हमारे को प्रॉब्लम आ रही थी 7-8 या 8-9 तो उनकी जो दशा है इसके अंदर प्रॉब्लम होना ही है अब क्या कि उसके 2525 या पॉजिटिव वाले जो है मार्स और मरकरी हैं तो इसमें मरकरी के अंदर अगर वो कंसीव करती है तो पॉसिबिलिटी बनती है बट मुझको नहीं लगता कि ये 9 महीने पॉजिटिव हमको मिल पाएंगे क्योंकि मून छोटा पीरियड होता है ना यार बाकी अंदर है तो 6-6 महीने के 5-5 महीने के हो जाते हैं तो 10 महीने मिल जाते हैं अब इसमें अगर मून मरकरी मरकरी में भी कंसीव कर जाती है तो आगे केतु वीनस ये बड़े डेंजरस हो जाते हैं मून मरकरी सन में कंसीव करती है तो मई 2018 तो मून नेगेटिव है मार्स पॉजिटिव है राहु नेगेटिव है जुपिटर पॉजिटिव है शनि नेगेटिव है तो मतलब होने की संभावना कम है अब तो क्लियर समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं हेलो हाँ नमस्ते जी थैंक यू जी दीदी जी दीदी क्लास ले रहा था फिर मैंने किया आप नहीं उठा आपको और कोई ना दीदी कोई कोई ना दीदी जी जी दीदी बच्चे हैं अब क्या करें उनके लिए तो खेल है जी जी जी
ठीक जी 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 ओके ओके तो ये तो क्लियर समझ में आई गाली शुक्र है। अब ट्विंस कर लेते हैं, एक के साथ एक फ्री की स्कीम कैसे होती है लास्ट में। और तो चाइल्ड बर्थ में कुछ सवाल नहीं आया था, ट्विंस ट्विंस के अंदर जो है दो बच्चे कंसीव होते हैं। सर आपके पास कोई ऐसी कुंडली है जो अडॉप्टेड बच्चा, आपको दिखाई तो थी अभी दिखाई है पहला होगा फिफ्थ हाउस शुड बी गुड। दूसरा होगा सर ट्विंस पर कैसे होगा सर, आपका पहला क्वेश्चन तो बता रही। इसमें हमें देखना पड़ेगा कपल की और उसको स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के चार्ट के अंदर ये होना चाहिए। एक के में भी नहीं होगा तो ट्विन कंसीव नहीं होगा, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के चार्ट के अंदर फिफ्थ हाउस डुअल होना चाहिए और जुपिटर मर्करी का पीरियड होना चाहिए तो ट्विन कंसीव होगा। बाद में पता नहीं क्या होगा लेकिन जब ट्विन कंसीव होगा तो दो ही बच्चे लगा इकट्ठे होगा। हाँ कहीं भी दोनों भी दोनों कुंडली में से एक कुंडली में होना चाहिए, दोनों कुंडली में होगा तो जूल के दोनों चीजें दोनों हॉरोस्कोप में होनी चाहिए। एक की कुंडली देख के नहीं बता सकता कि कैसे बता रहे मैं भी बताई एक की पत्री देख के हम प्रिंस कैसे दोनों का जॉइंट एफर्ट है। बस चाइल्ड बर्थ में और कुछ नहीं बचता है, ये भी कंफर्म है कि जिसके जुड़वा हो तो उसके ये सिस्टम चल रहा होगा तभी तो और अगर ये मतलब ऐसा है कि दशा भुक्ति अंतर में आने या क्या मतलब क्या मेजॉरिटी प्लैनेट्स में दिखेगी ऑब्वियसली तभी वो दशा भुक्ति अंतर हमेशा ही 4-5-9-11 की चलती रहेगी या हमेशा ही मेजॉरिटी प्लैनेट में। क्यों कहता हूँ कि मेजॉरिटी प्लैनेट 4-5-9-11 है या कोई भी कॉम्बिनेशन है तो वो उसका हमेशा ही चलता रहेगा, तो अगर शार्प माइंड कॉम्बिनेशन हमेशा ही होता रहेगा। इतना शादी के चल रहे हैं कभी भी शादी हो जाएगी, चाइल्ड बर्थ में कोई समस्या नहीं होगी, इसके प्रॉपर्टी पर जाकर चलते रहेंगे वो प्रॉपर्टियां खरीदता ही रहेगा। इस तरह से पॉजिटिव और सारे मैं बता दूंगा अलग अलग करूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4-5-11, 4-11, 4-9-11, 5-11 यही है ना सारे बता दूंगा। नहीं क्यों कंफ्यूजन होती है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं होगी खत्म वही ना आप 3-4 hours को लग गई कंफ्यूजन खत्म, मेहनत करने में
पत्रियां लगाओगे देखोगे कंफ्यूजन भी होगी ठीक भी होगी जहां मिक्स है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं उसकी जिंदगी मिक्स ही चलेगी कंफ्यूजन आपको तभी होगी व्हेन इट विल बी मिक्स्ड सो यू हैव टू से इट विल बी मिक्स्ड बस सिंपल है आप ये नंबर लिख लें एक बार 6128928 अब इसका ये इसके लगन के नंबर लगन का जो वो है इसके नंबर तो ये क्या इसका नेचर हम कहते हैं डिप्रेशन लेकिन ये वैसे दिस पर्सन इज वेरी भैया एक प्लांट दिखा दो अपन पूरा जैसे आपने से वैसे मैं पूछ रही हूँ मेरे बताइए कि अगर ये लगन का आपने बोला था लेकिन कॉम्बिनेशन है ना डिप्रेशन कॉम्बिनेशन है बट दिस पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी गो लकी आप एक प्लांट दिखा अभी आप एक ही चीज दिखा रहे हो ना और भी प्लांट आठ प्लांट कोई स्विट्जरलैंड नहीं है ना I have six planets of depression. I've never seen him depressed ever. But she remains in depression. Yeah, I remain in depression, but you'll never see him depressed on the face. ये अभी तो एक ब्रांड देखा ना मैं भी पढ़ा रहा हूँ मैं भी आपको खुशी नजर आता हूँ दुनिया में कितना कम है मेरा काम कितना कम है या तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो क्या रोल है जो मुस्कुरा रहे हो दोनों होंगे ना कंफ्यूज क्या हो गया उसको दोनों होगा उसमें क्या बात है गुस्सा करता है आदमी माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है प्यार नहीं करती साथ में एक मिनट बाद सुसाइडल डिप्रेशन हाँ जी डिप्रेशन हेलो है व्हाट इज डिप्रेशन टेल अस शी विल टेल ना मेरे को हुआ नहीं मैं क्या बताऊँ वो बताएगी मैं ये नहीं पूछ मैं यार भी पूछ रही है व्हाट इज डिप्रेशन मैं जवाब दे रहा हूँ तो मैं पूछ रही हूँ ये बताएगी ना डिप्रेशन मींस नथिंग कैन गिव यू हैप्पीनेस मैं आज आसमान चाहती हूँ मुझे आसमान भी लाके दे देगी तो जानू मैं कैसी लग रही थी जब मैं कल ग्रीन साड़ी पहनी थी तुमने साड़ी पहनी थी खुशी ही इज नॉट एक्साइटेड टू सी द वाइफ इन एनी ड्रेस ही डजंट बॉदर उसको कुछ लगता नहीं डिप्रेशन है इधर देखना सुनते नहीं है सवाल पूछते हैं जवाब तो सुनतेगी तो सुनते तो नहीं होगा ना जवाब सुनेगी तब बात सुनेगी डिप्रेशन में जैसा उसने इंटरप्रेट किया मैं उसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ इसको कभी नहीं लगता है कि कोई मेरे लिए कोई भावना रखता है एक तो उसको लगता नहीं दूसरा वो इस सिचुएशन स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है जो इसने बताया उसको कोई चीज खुशी नहीं दे सकती उसको दुख ही दुख लगता है ठीक है फिर क्या एक्साइटमेंट नहीं हो रही जिंदगी में कोई कोई चीज एक्साइट नहीं कर रही और उसको लगता है कि इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ जब और डीप में चला जाता है मेरे को मर जाना चाहिए कुछ भी नहीं रखा जब वो एक्सट्रीम हो जाता है अब ये जब तक आप नहीं जाओगे स्टेज में आप उसको फील नहीं कर पाओगे बस ये तो जिसको होती है वही जानता है कहां तक चला फिर उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है उतना ना सो टाइम से खाएगा ना टाइम से तो हम जब इतना खाएगा कि वो 250-300 किलो का है या बिल्कुल नहीं खाएगा दोनों में से एक चीज होती है नॉर्मल नहीं होता वैसे राहु और चंद्र जब प्यार में भी ऐसा ही होता है भूख प्यास नहीं लगती दिन में चैन नहीं होता रात को नींद नहीं आती राहु चंद्र से उसे मतलब
जितना बढ़ ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा। सिक्स एट होने चाहिए, 1-6 और 2-6 और 2-8 का मतलब ही बदल जाएगा सारा। प्रॉब्लम तभी है जब 6-8-12 में 2 है, जब तक 2 नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 वो एंजाइटी देता है, डिप्रेशन होता है आदमी, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने जिंदगी खराब होगी, मैं चौथी क्लास में मेरे को वहां पढ़ने भेज दिया, मेरे माँ बाप ने तो मेरे को छोड़ दिया, ये भावना आने लग जाती। मेरा भाई वो डिपेंड कर दिया, ये इसको डिप्रेशन मिले थ्रो मी अवे। नाउ शी इज थिंकिंग पास्ट, एंग्जाइटी होती है आगे को देख, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, फिर क्या होगा, बाहर निकल गई तो क्या होगा, ये मैंने कर दिया अब पुलिस तो नहीं आ जाएगी, अब इनकम टैक्स वाले पीछे तो नहीं पड़ जाएगी, ये एंग्जाइटी। यहाँ 12 आया था, 8 और 12 गिव दैट इज 6 8 12 गिव डिप्रेशन, एंड 2 and 9 डू नॉट हेल्प यू। वो हेल्प तो करेगा, 9 हेल्प करेगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन पूरा है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उभर के आएगा, आप हमेशा नेगेटिव चीज बताओगे, आप अपनी पत्नी दिखाओगे तो आपने मेरे को ये नहीं बताना कभी भी कि मेरे में खुशी के कौन से पलिया चढ़ते, आपने मेरे से अपनी प्रॉब्लम से डिस्कस करनी है ना। आदमी हमेशा अपनी प्रॉब्लम में ही दिमाग दिलाता रहता है, लेकिन जिंदगी में खुशी का क्षण हमेशा ज्यादा होता है। नहीं नहीं यू आर राइट, उसमें डिस्कशन में तो कोई बात नहीं है, इसकी बात सुनना, जो डिस्कशन में जो भाग लेते हैं उनकी बात भी सुन लो। अब इसमें क्या होता है जो बड़ी अच्छी बात है कि जब माइंड को सुन कर देंगे, सोचना पीछे सोचना और आगे सोचना बंद कर देगा वो, तब वापस आप रिवाइव कर जाओ। And it is not about that. It is not about that you need it or not. It is about that. चलो ये बात की डिस्कशन हमारा ब्रह्म के बारे में डिस्कशन नहीं है, मतलब जब आदमी का जब माइंड जो है प्रेजेंट में आ जाएगा तो सोचना बंद कर देगा नेगेटिव चीजों को, तो अपने आप उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन से निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए 4 तरीके हैं, एक है मेडिटेशन, कई लोगों ने बताई, इसमें भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने कैसे इसको पाया, क्योंकि ही वॉज ए डिप्रेसिव पर्सन, इससे बड़ा डिप्रेशन में आदमी कोई नहीं, इससे बड़ा पाप करने वाला आदमी भी कमी मिलेगा, जो अपनी बीवी को और बच्चे को छोड़ के चला जाए और राजा हो, लेकिन क्योंकि वो परेशानी में था बेचारा, तो वो अपने लिए जो सच्चाई कह लो वो ढूंढ रहा था, तो उसको मेडिटेशन का रास्ता मिला जिससे उसका डिप्रेशन खत्म हो गया। उसने कहा मैं सबको बांटता हूँ, वहां फिर उसकी अच्छाई शुरू होगी। हर एक चीज का ट्रिगर पॉइंट होता है जिंदगी में। इस तरह से जो महर्षि पतंजलि था उन्होंने प्राणायाम ढूंढा, ठीक है, योग ढूंढा, तो योग और प्राणायाम से उन्होंने कहा कि आपका जो है चित्त जो है शांत हो। बाबा गोरखनाथ ने तंत्र विद्या ढूंढी, और मीरा और भगवान कृष्ण ने वो जो तुलसीदास जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न होय, ढाई आकर प्रेम को पढ़ो से पंडित, तो उन्होंने कहा कि यू लीव एवरीथिंग टू मी, मैटर फिनिशेस, दी प्रॉब्लम फिनिश, मेरे पास समझ लो मेरे को बहन मायावती ने 5,000 करोड़ रुपया दे दिया, उसकी हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए, इट्स नॉट माइन, मैंने कमा लिया तो भी इट्स नॉट माइन, मेरे को प्रॉब्लम है तो वो भी इट्स नॉट माइन, इट्स ऑल योर्स। जब ये स्थिति मन की आ जाएगी तो आपको दुख और सुख दोनों नहीं लगेंगे। देखिए देखिए ऐसा है, यू हैव अ कॉम्बिनेशन,
with which you need some practices like meditation, pranayam. So that will help you out. It won't help me as much. क्योंकि मेरे को combination नहीं है. जब वो मेरे combination नहीं है, इन दोनों में से एक है. ये जो combination है, मेरे में नहीं है. तो मैं यहाँ पर जाऊंगा भी जैसे ब्रह्म कुमारी में जाती है मैं दूसरे चौथे दिन लौट आऊंगा मैं ऐसा टाइम को टिका जिनके डिप्रेशन एग्रेशन होंगे वो उन्हीं से जुड़े रहेंगे वो कि उनको सोलेस मिल रहा है हमें मिलना ही नहीं है उन्हें कहा चल रहे कि मैं आ रही गल्ला कर रही मारी जाने क्योंकि हमारे को प्रॉब्लम ही नहीं है हमें तो भेजना मुश्किल जाने के बाद हमें कुछ मिलना भी इंटरेस्ट हमारे होगा क्योंकि हमें कुछ लगना ही कुछ तो नहीं तो अब इसमें जो है हर टाइप के आदमी ने अपनी दुकान खोल रखी है श्री श्री रविशंकर है उसके पास अपर मिडिल क्लास है जो वो है उसके ऊपर जो है जगी वासुदेव उसके पास रिच क्लास है रामदेव जी के पास लोअर मिडिल क्लास है तो सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं सब अपना माल बेच रहे हैं ब्रह्म कुमारी का अपना दुकान है सब अपने अपनी दुकान है अपना माल बेच रहे हैं और सब जो लोग जा रहे हैं उनको हर जगह कहीं ना कहीं सोलेस मिल जाता है तो वो दुकान है दुकान में आप पैसा दो माल मिलता है उसमें कोई बुराई भी नहीं अगर आपको सोलेस मिलता है आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड सर्विस वेरी गुड सर्विस तो अगर आप समझ जाते हो ये चीज को जो मैं बता रहा हूँ तो आपको जाने की जरूरत नहीं है बट ये है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी इनमें से कोई भी चारों में से एक अडॉप्ट कर लो आपको शांति मिल जाएगी ठीक है जगी वासुदेव जी हाँ सर सब अपने तरीके से सबने अपने अपने तरीके से उसको डेवलप कर लिया ना वो रामदेव जी अनुलोम विलोम बताते हैं श्री जी रविशंकर जी डिफरेंट बताते हैं वासुदेव जी वो भी बताते हैं सब अपना ब्रीदिंग बताते हैं सब में आपको बेनिफिट एक ही होगा सर साथ में पता क्या होता है साथ में क्या है कि सब अपना जो माल बेचते हैं ना वो एक डिफरेंट क्लास को बेचते हैं प्रोडक्ट जो है श्री श्री रविशंकर जी के पास आपको गरीब आदमी कहीं कोई मिलेगा नहीं ठीक है नहीं 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 कोई 2000 रुपए ऐसा बोलिए 2004 में 5000 पे किया 2004 में तब 1500-1500 अब उसके बाद जो ये है क्या नाम है रामदेव जी का इज फ्री आप अब रामदेव जी ने सुपर रिच क्लास के लिए एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया सुपर रिच ही जा सकता है 1,00,000 रुपए कमरा भैया एक दिन का सुपर रिच का उनको डिफरेंट क्लास पर्सनल टच कुछ कुछ नहीं है सर जी आपके पास पैसा होता है अब आपको फूकना होता है मैं बता रहा हूँ ना सर फूकने का भी एक फील आती है इसके बाद क्या है कि अगर आप वहां पर जाते हैं क्या नाम है सुपर रिच क्लास में जाते हैं तो आपको सुपर रिच लोग मिलते हैं उनसे आपका और बेनिफिट होगा नेटवर्क के सर जी सर जी सर सन्यासी का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा दफा करने यार कर परजाई परजाई को पूछ के परमिशन लेके आना ता मैं दस्ता ठीक है जितने ज्यादा होंगे अंदर से आदमी उतना इंटरनली हैप्पी होगा सन्यासी का मतलब इंटरनली हैप्पी इंटरनल हैप्पीनेस शांत 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 गादारी शांत
सैनी बात पूछी है किसने, सुन लो, कोई बंदे सैनी बातें नहीं करते, ठीक है। तो सन्यासी आदमी का मतलब है एटर्नल हैप्पीनेस अटेन हो जाना, ठीक है। आगे बस 10 एकड़ की फार्म हाउस है, फर्क नहीं पूछा, नहीं मिलेगा वो स्टेज आ नहीं, वो ये जब नंबर होंगे तभी ये स्टेज आती है। ये चार हाउस है, ये होने चाहिए मेन हाउस है, ये उसके फैसिलिटी ये हाउसेस है नॉट कॉम्बिनेशन, एक ही बात तो एक ही। अब 5-9-11 हो जाए, 9-10-11 हो जाए, 9-11 हो जाए, 5-11 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सारे देंगे। सर 5 में हो जाएंगे तो बड़ा शांत आदमी होगा, उसको ना गुस्सा आना है। अब इसको जो है खुशी भी बहुत होती होगी, जब खुशी होती होगी तो पकड़ा जाती होगी, गुस्सा आता है तो खनक पड़ती होगी, डिप्रेशन है तो इसका ऐसा। अब जिसका 5-11 है वो तो खुशी में ही रहा है, उसको इतनी खुशी होती कभी नहीं, मेरे को खुशी वो तो है ही खुशी में, उसको डिफरेंस बता देना है, इसको जरा सी खुशी होगी। आई एम नॉट सेइंग मटेरियल चेंज तो कुछ नहीं, बात मटेरियल चेंज खुशी देती है तो कोई बात ही कोई ना। मेरे को BMW चाहिए, बहन भाई होती नहीं सौ तो BMW आ गई तो खुशी खत्म ना, वो तो रूटीन हो जाएगा फिर मेरा, वो कितने दिन मेरे को खुशी देगा। सर ये इंट्यूशन का भी कॉम्बिनेशन है जी सर, इंट्यूशन का में हो जाएगा। एडिशनली मून शुड आल्सो कैरी दिस, और मेजॉरिटी में भी है तो फिर इंट्यूशन भी डबल आल्सो हैव द सेम कॉम्बिनेशन। इंट्यूशन का मतलब है कोई भी चीज अगर होने वाली है तो उसका आभास हो जाना। सर एक क्वेश्चन था। बोल यार। सर ये क्वेश्चन था कि जो आपने बोला था कि एडॉप्शन का और ड्यूअलिटी ऑफ चाइल्ड के ऊपर जो आपने लिया क्लास, सर वहां पे 8वां घर तो मतलब ड्यूअल होगा वो ठीक है, अब सर किसी और ने अगर अडॉप्ट किया या माता ने अडॉप्ट किया या जिसके तरफ जाएगा, तो अगर थर्ड हाउस का मतलब है किसी और ने अडॉप्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि सर उसी घर का जो लॉर्ड है उसका दशा चल रही होगी तब ये होगा। यार तूने सब कुछ मिक्स कर दिया, पहला लिया हमने अडॉप्शन ने ली कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, हां हां 483938 वो अलग इशू है। हाँ। में हम नहीं बता सकते कि कौन अडॉप्ट करेगा, बच्चे की ऑरोस्कोप से पता चलेगा अडॉप्ट होगा नहीं होगा, तो दोनों अलग अलग चीजें भाई, उन्हें दोनों सर बच्चे का ही, सर बच्चे का ही बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा जान पहचान का कोई है द पर्सन गॉट अडॉप्टेड किसी और से, ठीक है, मतलब ऑर्फनेज से लाए हैं, तो थर्ड हाउस और एट हाउस का किसी तरह का दशा भुक्ति अंतरदशा का कुछ खेल होगा क्या? बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, एट हाउस की दशा आई तो एट आठवां चल ही रहा ना, तो आठवां तो होना ही चाहिए, मैं तो कह ही रहा हूँ। अब मैं एडिशनली बोल रहा हूँ कि आठवां हाउस या तो प्लेनेट में हो या लॉर्ड हो, अच्छा, या उसमें बैठा हो, या उसके नक्षत्र में हो, या उसके सब लॉर्ड में। अच्छा अच्छा, बात तो मैं भी वही करता हूँ, मतलब ये दोनों का खेल होना ही है तभी होगा। बात इजी कर लेता हूँ, माई explanation is easier. Now when you are saying Lord of the Eighth placed in the days, so it becomes more complex. So let it make it more simple. That's what I'm saying. Next time karenge litigation. Thank you, sir.